हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुशांत आज मोनू का नहीं है। आए सर, ज्वाइन करें थे सर। बोलिए। ठीक है। चलो, कल हमारे पिछले बैच का, सेकंड बैच का एक स्टूडेंट प्लेस हो गया। उसको 9 LPA मिला है, बट उसका एक वो कंप्लीटली फ्रेशर है। ठीक है, फ्रेशर होने के बावजूद काफी बढ़िया पैकेज मिला है उसको। शायद मुझे लगता है 21 का पास आउट है। इसको पता होगा, स्वप्निल को, स्वप्निल नीलेश। अब देखो वो कितने महीने के बाद प्लेस हुआ है, वो लगभग 9-10 महीने हो गए। अब 9-10 महीने के बाद प्लेस हो गया, बट उसने हार्डली 5 या 6 इंटरव्यू दिए होंगे टोटल, और अभी एक ऑफर निकाली है। हो सकता है कि और 1-2 ऑफर निकाले हो, बट उसने जो हार्डवर्क किया है, वो हर बार थ्रेड कनेक्ट करता था, मुझे मोबाइल पे अपडेट्स भेजता था कि मैंने आज ये किया है, आज वो किया है। एकदम कंसिस्टेंट था थ्रू आउट ये 8-9 महीने, और अभी भी एक प्रोजेक्ट जो रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहा था। विवेकानंद को पता है, राइट? विवेकानंद। तो हाँ इतना सर। कुछ करने के बाद उसको, मतलब अब वो सेलेक्ट हो गया है। अब विवेक को पता है कि वो लोग काम होने के बाद 12 बजे 1 बजे ऐसे मीटिंग अरेंज करते हैं मेरे मेरे साथ अभी भी। तो इतना डेडिकेशन है। आप काफी लोग जॉब करते हो, तो हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है। कुछ 2-3 घंटे निकालो, 2 घंटे निकालो, बट हर रोज क्यों होने चाहिए, हर रोज आपका एफर्ट्स होना चाहिए उतना। और मुझे प्रोग्रेस बताते रहनी है आपको कि इसके ऊपर आज काम किया है, यहाँ यहाँ ये दिक्कत आ रही थी, यहाँ से मैंने, मेरे साथ कंटिन्यूअसली कनेक्ट करके आपको सॉर्ट आउट करनी है चीजें सब कुछ। क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, काफी सारा कंफ्यूजन है, राइट? क्योंकि काफी सारे नए टॉपिक्स है, नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं डेटा साइंस में। लोगों ने तो 4 साल की इंजीनियरिंग बना दी इसके ऊपर। इसमें सर एक्चुअल में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, जो मैं समझ में आ रहा है। राइट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे पता है कि एक्चुअली ना, अजय, ये क्लास डेली होना चाहिए, ठीक यस सर। है? ये वीकेंड का क्लास है ही नहीं, सबसे पहली बात है। अगर हम वीकेंड बना भी रहे हैं इसको, तो आपको हर रोज कनेक्ट करके मुझे प्रोजेक्ट्स, राइट, प्रोजेक्ट हो गया या फिर मॉक इंटरव्यूज है, वो अरेंज करना है अभी से। क्योंकि अभी तक तो बेसिक बेसिक चल रहा था हमारा। अब आज से, या फिर मतलब जब से मॉडल मशीन लर्निंग का शुरू हुआ है, तब से हमें थोड़ा सा पिकअप लेना है। अब हो सकता है, राइट, आप 5-6 बंदे हो, तो हम एक आध वीकडेज में भी एक आध लेक्चर अरेंज कर सकते हैं, एक आध दूसरा लेक्चर, और हम कंटिन्यू कर सकते हैं उस टाइप से। क्योंकि हम, आप भी वो मोमेंटम में रहोगे फिर। अब तो गैप नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि वीकली वीकली मतलब काफी, 5 दिन का गैप के बाद जब आप आते हो, तब आप भी ब्लैंक होते हो। अरे, कभी कभी याद भी नहीं रहता कि क्या पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। तो मुझे ये पता है कि कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है। हर रोज कम से कम 2 या 3 घंटे कम से कम आपको डालने ही डालने हैं उसमें, तो जाके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान के चलो कि आज मैंने क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, सॉरी, रिग्रेशन मैट्रिक्स पढ़ाए, तो घर जाके उसकी प्रैक्टिस करना। कोई भी एक डेटा सेट ले लो, आपको पता ही है कैगल का डेटा सेट आप उठा सकते हो, कैगल रिग्रेशन डेटा सेट्स,
अगर डालोगे तो जैसे बोस्टन आ गया था वैसे बाकी काफी सारे डेटा सेट्स आएंगे, उसके ऊपर ट्रा कोशिश करो, उसके ऊपर देखो कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कौन से वेज है कि हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं मॉडल्स के, ईडीए करते रहो उसके ऊपर, अलग अलग फीचर इंजीनियरिंग करो, नए फीचर देखो बना सकते हो कि नहीं आप। ये आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कब आता है? एक तो आप मॉक इंटरव्यू देते हो तब आता है, और दूसरा प्रैक्टिस करते हो तब आता है। अब प्रैक्टिस एक तो ऐसे करो, नहीं तो फिर कैगल कैगल के जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं कैगल के कॉम्पिटिशन्स देते रहो, हर 3 दिन में एक देना है आपको, हर 3 दिन में एक ये टारगेट रखना है आपको। यही सही रहेगा कैगल वाला। हाँ, कोई भी एक टाइटैनिक टाइटैनिक डेटा सेट से ले लो, वहां पे कॉम्पिटिशन्स आती है, राइट। यस। हाँ अच्छा, तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो जब तक करते तब तक तो रहता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद ब्लैंक हो जाता है। नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं, ये तो होने ही वाला है। इसलिए अब इसको टैकल कैसे कर सकते हो आप, कि खुद के नोट्स बना दो। नोट्स होने ही चाहिए हार्ड कॉपीज में, किस किसने बनाया है? अजय आपने बनाया है? तो मैंने वैसे हार्ड कॉपी में बनाया नहीं, था, मैंने चल रहा है मेरी सर, सर बनाना चल रहा है। अच्छा, देखो नीलेश का, देखो नीलेश से आप मिल सकते हो एटलीस्ट इन पर्सन, राइट विवेक, और फिर लोगों को बता सकते हो कि हाँ देखो इस टाइप नोट्स है, या फिर उसके नोट्स का ये करो आप, राइट कन्वर्ट रेफरेंस ले सकते हो, कैसे बना कैसे। करके, पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप, बट खुद के ही नोट्स होने चाहिए, ठीक है, तभी वो पता चलता है कि दूसरे ने बनाए नोट्स, तो हम रेफर कर सकते हैं सिर्फ। जैसे कि आज भी मैंने एक नोट्स भेजे हैं आपको, वो भी आप पढ़ सकते हो, यस सर, सही है आपने। कंप्लीट इंटरव्यू के लिए गाइडेंस से हो, हाँ क्वेश्चन है इंटरव्यू उसमें। तो काफी यूजफुल है वो भी। अब यहाँ पे देखो टाइटैनिक है, एडवांस रिग्रेशन टेक्निक्स है हाउस प्राइसेस की, यहाँ से ये देख लो। अब इससे दो होता है, दो काम होते हैं, राइट। एक काम क्या होता है, एक तो कैगल के ऊपर आपको विजिबिलिटी आएगी लोगों को, क्या चलो कैगल के ऊपर ये बंदा मास्टर बना है, ग्रैंड मास्टर बना है, तो ये वैल्यू ऐड करता है। मेरे पिछले फर्स्ट बैच में भी दो बंदे ऐसे थे कि कैगल के ग्रैंड मास्टर थे, आप नीलेश को भी पूछो कैगल मास्टर है। हाँ वो ही सब फाइल देखा है उनका प्रोफाइल। बट उसके लिए टाइम होना चाहिए और टाइम निकालना चाहिए। अब मैं भी जानता हूँ, मैंने काफी सारे कोर्स को सब्सक्राइब किया है, एनरोल किया है, बट मुझे पता है कि हर्डल्स क्या आती है, वो रेगुलर नहीं कर पाते हम। बट अभी ऐसा है कि ये 4-5 महीने ही आपके हाथ में है, अगर इसमें कर पाते हो, और एक बार अगर एआई में आते हो तो सब कुछ, फ्यूचर तो एआई ही है। तो थोड़ा सा हार्डशिप्स है यहाँ पे एक लगने तक एटलीस्ट, फिर उसके बाद तो आप रिसर्च करके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, बट हाँ काफी चैलेंजिंग फील्ड है ये। हर रोज नए चैलेंजेस आएंगे, हर रोज लगेगा कि अरे यार ये होगा कि नहीं होगा, जॉब रहेगी कि जाएगी। बट इसके लिए तो हम ज्यादा सैलरी लेते हैं, लगभग 1.5x तो पैकेज मिलता ही मिलता है। देखो यहां से कर लो, मैं भी आपको कुछ कंपटीशन सेंड करता हूँ, और हम वो रिव्यू करते रहेंगे कि आपने कैसे किया, क्या किया, कैसे एक्यूरेसी बढ़ सकती है, बाकी लोगों ने क्या किया है। चलो शुरू करते हैं इसी से, हाउस प्राइसेस से ही। तो आज का आपका इम्प्लीमेंटेशन ही होगा हाउस प्राइसेस के ऊपर।
ये निकालो और आज आज इम्प्लीमेंटेशन पूरा आज शाम तक कर लो, कल मुझे बताओ कि आपका कितना एक्यूरेसी आ रहा है, कितना आर टू स्कोर आ रहा है और कंपटीशन कैसे देना है, कैसे ये करना है। तो उसके लिए अगर सेशन रखना है तो इसको पता है राइट, विवेक को, तो हम एक क्विक सेशन उसके साथ अरेंज कर सकते हैं 15 मिनट, और वो हमें बताएगा कि कैसे कैसे कैगल पे रजिस्टर करना होता है, राइट, डेटा कैसे फेच करते हैं, नोटबुक कैसे ओपन करते हैं, जो भी है चीज है। अगर वहां पे भी मास्टर बनेंगे आप सब लोग तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो आज रिग्रेशन टेक्निक्स के रिग्रेशन टास्क कैसे इवैल्यूएट करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि मॉडल कैसे बनाते हैं, प्रेडिक्शंस कैसे लेते हैं, राइट, वो एंड टू एंड चीज हमने देखी, डेटा गैदरिंग से लेके डेटा ईडीए, उसके बाद डेटा क्लीनिंग, राइट, उसके बाद मॉडल बिल्डिंग, ये चीजें हमने देखी है। बट आज उस मॉडल का इवैल्यूएशन कि मॉडल कितना अच्छा बना है, ये कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वो हम आज देखने वाले हैं। उससे पहले हमने देखो यहाँ पे एक डमी डेटा हमने लिया है, सीजीपीए वर्सेस पैकेज, एक्स वेरिएबल हमारा सीजीपीए है, ये कॉलम है, और पैकेज हमारा वाई वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो डीएफ में हम डीएफ को प्रिंट करेंगे यहाँ से, तो सीजीपीए वर्सेस पैकेज, सीजीपीए अगर 6 है तो पैकेज ज्यादा है, सीजीपीए काफी कम है तो पैकेज भी उसका कम है। देखो यहाँ पे बाकी तो ईडीए वगैरह नहीं करेंगे यहाँ पे, आज का स्कोप से बाहर है वो, राइट, क्योंकि हमें आज इवैल्यूएशन देखने हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, तो हम ईडीए डेटा क्लीन कैसे करना है, स्केलिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें आज नहीं देखेंगे। फिर से सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि उसको इवैल्यूएट कैसे किया जाता है मॉडल को। तो देखो एक्स और वाई में पहले तो डिवाइड किया, राइट, उसके बाद एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट में डिवाइड किया डेटा को। अगर एक्स ट्रेन डेटा देखोगे आप तो देखो 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग में चला गया है, तो एक्स ट्रेन मतलब सीजीपीए का 80% डेटा आ गया यहाँ पे, देखो रैंडम डेटा है इसलिए इंडेक्स हमारा ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि रैंडम स्टेट डिक्लेयर किया है हमने, रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 2। अब एक्स टेस्ट देखेंगे, एक्स टेस्ट में कितने डेटा पॉइंट्स हैं, टेस्टिंग में 20% डेटा पॉइंट्स है, 8 से लेगा यहाँ पे 2 गए टेस्टिंग में, वैसे ही एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट। अब देखेंगे वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में कितना डेटा है, तो करस्पॉन्डिंग डेटा है, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा जो भी है वैल्यूज, राइट, तो देखो यहाँ पे 8 वैल्यूज है और यहाँ पे फिर से 8 वैल्यूज है, सॉरी 2 वैल्यूज है, 2 एक्स के लिए 2 वाई वैल्यूज। तो ऐसा है कि ये रिकॉर्ड चला गया टेस्टिंग में, तो ये हो गया, ये कॉलम हो गया एक्स ट्रेन, ये सॉरी वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये है वाई ट्रेन यहां से यहां तक, ये है वाई टेस्ट, और यहां यहां से यहां तक 8 रिकॉर्ड पहले एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन है, सॉरी यहां तक, और ये 2 रिकॉर्ड्स
6.75 और 6.09, ये हमारे एक्स टेस्ट रिकॉर्ड्स टेस्टिंग में चले गए, वो एक्स टेस्टिंग में चला गया। अब यहाँ पे एक ही कॉलम है, बट रियल लाइफ में एक कॉलम नहीं रहता, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं हमारे पास, तो मल्टीपल कॉलम्स है तो ये मल्टीपल आ जाएंगे एक्स ट्रेन हमारे। अगर एक्स ट्रेन यहाँ यहाँ मैंने किया ऐसे, तो आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं, सी जी पी ए अलॉन्ग विद अदर कॉलम्स आएंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर उसके बाद आता है लीनियर रिग्रेशन का क्लास, हम इम्पोर्ट करते हैं राइट, और उसको सेव करते हैं एक वेरिएबल में, फिर उसको वेरिएबल को लेते हैं एल आर डॉट फिट, लीनियर रिग्रेशन है, कोई कोई इसको मॉडल भी लिखता है, लीनियर रिग्रेशन लिखो, मॉडल लिखो, जो भी लिखना है आपको, किसी भी वेरिएबल में सेव करो, उसके ऊपर क्या करो फिट करो। अब इसको किसको फिट करो, ये ट्रेनिंग डेटा को फिट करो, तो उसके बाद बनता है आपका मॉडल। एक्चुअली ये तैयार हो गया आपका मॉडल, अब एल आर मतलब मॉडल। देखो यहाँ पे मॉडल का क्या है, मॉडल का क्लास क्या है या फिर डेटा टाइप, तो ये है लीनियर मॉडल बेस्ड लीनियर रिग्रेशन, ये है एसके लर्न का लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये अलग अलग आते हैं, स्पेस यूज किया आपने तो इंग्लिश आएगा वहां पे लिख के, स्पेसी मॉडल्स वो टेक्स्ट डेटा के लिए होते हैं तो इंग्लिश आएगा स्पेसी डॉट इंग्लिश करके, ये अलग अलग मॉडल्स हैं। अब ये होते हैं बाइनरीज में सेव या फिर पिकल फॉर्मेट में सेव, वो हम आगे जाके थोड़ा सा देख लेंगे उसके बारे में भी। इसको सेव करते हैं हम कहीं पे, तो रियल टाइम में प्रोसेस कैसी होती है एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूं रियल टाइम की प्रोसेस। एक सेकंड, देखो यहाँ पे अब एक डेटा होता है हमारे पास राइट, डेटा में एक्स और वाई होंगे वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मान के चलो कि ये वाई वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वेरिएबल्स है। अब इसके ऊपर ट्रेनिंग करते हो आप, तो यहाँ पे टेस्टिंग डेटा अलग करते हो, ये टेस्ट डेटा हो गया 20%, ये ट्रेन डेटा हो गया, ये वाई ट्रेन हो गया, ये वाई टेस्ट हो गया, ये एक्स ट्रेन हो गया, तीनों का ये वाला पोर्शन एक्स ट्रेन है ये, और ये एक्स टेस्ट है, ये वाई ट्रेन है, ये वाई टेस्ट है राइट। ये अलग अलग करके आपने मॉडल डॉट फिटिंग कर दी, फिट मॉडल, मॉडल डॉट फिट या फिर एल आर डॉट फिट, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ट्रेनिंग के दोनों वेरिएबल्स हमने दे दिए, क्वेश्चन भी बता दिया उसको, आंसर भी बता दिए, वाई आंसर है और एक्स क्वेश्चन है, दोनों बता दिए, फिटिंग कर दी। और फिटिंग के बाद इवेल्युएशन वगैरह सब कुछ होने के बाद अब इस मॉडल को क्या करते हैं, हम पिकल में, पिकल फॉर्मेट में लोड करते हैं, मॉडल को पिकल फॉर्मेट में लोड करते हैं, पिकल डॉट लोड करके, पिकल डॉट लोड और ये मॉडल डॉट पीकेएल, ये फाइल बनाते हैं। अब ये फाइल है हमारा मॉडल, अब ये जाती है इन्फरेंस के लिए। अब जब जब आप हमारी कंपनी में नया डेटा आता रहेगा वहां पे वाई प्रेडिक्ट करना है हमें, तब ये इन्फरेंस स्क्रिप्ट रन होती रहेगी। अब इन्फरेंस स्क्रिप्ट क्या करेगी, इस मॉडल को जो भी सेव किया है मॉडल उसको कॉल करेगी और इन्फरेंस लेगी, इन्फरेंस मतलब वाई प्रेडिक्शन आपको मिलेगा, वाई हैट की वैल्यू मिलती रहेगी आपको, और ये वैल्यू और जो भी आपकी एक्स वैल्यू तो आपके पास होगी ही होगी राइट। अब ये वैल्यू भी मिल गई तो फाइनली आपने कॉन्कैटिनेट कर दिया इस डेटा फ्रेम को, तो ये बन गया ऐसा डेटा फ्रेम राइट, सिमिलर टू दिस डेटा फ्रेम, और इसको आप फिर से डेटाबेस में लोड कर रहे हैं, डेटाबेस में यहाँ पे इस ये वाले डेटा फ्रेम को लोड कर रहे हो, तो ये हो गए। फिर कंटिन्यूस हम प्रेडिक्शन हमें मिलते रहेंगे, जब जब डेटा ऐड होता रहेगा तब तब ये मिलता रहेगा हमें prediction।
बोलते हैं हम इन्फरेंस, बट इन्फरेंस पाइपलाइन जो बनते हैं बनता है वह हर फिर से हम सारे डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स लेते हैं। मान के चलो कि एक्स वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल जेंडर है और जेंडर में मेल वर्सेस फीमेल है, सिर्फ मेल फीमेल ऐसे लिखा है, बट मॉडल की जो पिकल फाइल होती है वो तो बनाई है आपने वह जीरो वर्सेस वन पे, जीरो फॉर मेल वन फॉर फीमेल, राइट। तो इन्फरेंस फाइल में जिसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं उस फाइल में फिर से हम वो लॉजिक लिखते हैं कि इसको क्या करो, लेबल एनकोडिंग करो इस वेरिएबल में, जो भी आपने यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग की है सेम प्रोसेसिंग इन्फरेंस में भी करनी पड़ती है, इन्फरेंस डॉट पी ओ वाई जो भी आप फाइल बना रहे हो इसमें भी करनी पड़ती है, जाके हमें प्रेडिक्शन मिलेंगे। नहीं तो फिर ओरिजिनल तो हमारा हमारा डेटा कहता है कि ये मेल है ये फीमेल है, बट हमारा मॉडल को समझ में नहीं आता ये टेक्सुअल डेटा, राइट। उसके लिए तो हमें कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, लेबल एनकोडिंग या जो भी आप कर रहे हो, वन हॉट एनकोडिंग हमने पढ़े हो टेक्निक्स, वन हॉट एनकोडिंग वगैरह हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे किया है वही चीज यहाँ पे भी करनी है। लेबल किया है तो लेबल ही फिर से इन्फरेंस में लिखना है आपको, वही लॉजिक। तो एक बार ये अगर लॉजिक लिख दिया आपने तो रियल टाइम में तो ये लॉजिक भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में जो फंक्शन आपने बनाया है ट्रेनिंग स्क्रिप्ट में वही आप इन्फरेंस स्क्रिप्ट में कॉल करते हो बस, ये फिर से नहीं बनाते हैं रियल टाइम में। तो हम ये आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती रहेगी तब मैं और क्लियर करवा दूंगा, बट अभी के लिए इतने डिटेल में जाने की जरूरत है। अब आज भी मैं क्या करता हूं आपको एक सिंपल इक्वेशन बना के समझा देता हूं ये चीजें कि रियल टाइम में भी ये कैसे वर्क होता है। देखो ये हमारे पास डमी डेटा सेट है, अब डमी डेटा सेट के ऊपर हमने लीनियर रिग्रेशन फिट कर दिया। अब यहाँ पे वाई प्रेडिक्शन मतलब वाई हैट की वैल्यू निकाल रहे हैं एल आर डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट से, एल आर डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। तो वाई प्रेडिक्शन मिल रहे हैं हमें, वाई प्रेडिक्शन, वाई टेस्ट तो पता है, मैं आपको वाई प्रेड बताता हूं, वाई प्रेड क्या आ गया टेस्ट के ऊपर, क्योंकि टेस्ट डेटा भेजा है हमने, ट्रेन ट्रेन भेजा है तो ट्रेन का आ जाएगा, टेस्ट भेजा है तो टेस्ट का आ जाएगा। अब यहां पे देखो दो वैल्यूज आ गई 2.8 और 1.9, तो ये करस्पॉन्डिंग है इन दो वैल्यूज को, यहां पे देखो 2.86 मतलब इसका प्रेडिक्शन मिला है, ये एक्चुअल है, ये मॉडल ने बनाया है हमारे, ये एक्चुअल है, वाई टेस्ट तो एक्चुअल है राइट, और वाई प्रेड क्या है ये मॉडल ने दिया हुआ आंसर है 1.9, तो काफी क्लोज वैल्यूज है, ये तीन के करीब ही है, 1.9 तो एकदम से एक्यूरेट है। इसको हम कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमारा मॉडल ठीक बना है कि नहीं बना है, अच्छा बना है कि नहीं है, बट हम ऐसे मैन्युअली तो चेक नहीं कर सकते हर वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है, रिग्रेशन टेक्निक्स, वो हम यूज करेंगे। और अगर आप जैसे पिछले लेक्चर में अजय का डाउट था राइट, तो अजय बोल रहे थे कि इसको फिर कॉल कैसे करते हैं रियल टाइम डेटा के ऊपर, अब यहाँ पे देखो मैं अगर राइट वही क्वेश्चन था आपका, तो इसको आप यूज कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही एक्स लग रहा है तो एक ही एक्स हम पास करेंगे इसमें 6.89, और वाई हैट की वैल्यू प्रेडिक्शन हम लेंगे एल आर के ऊपर, एल आर हमारा मॉडल है राइट, प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट क्या करो, रो को प्रेडिक्ट करो मतलब एक्स एक्स को प्रेडिक्ट करो, इसमें जो भी एक्स है उसको प्रेडिक्ट करो। तो देखो y हैट की वैल्यू क्या आती है 2.83, अब यहां पे कितनी है
3.26 है, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी बेहतर बनी है। अब एक कौन सा भी रैंडम आप बताओ कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। अगर मैं 8.65 लेता हूं तो आप बताओ कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। सर 8 के करीब होना चाहिए, थोड़ी 7 के पास। कितना अराउंड, मतलब 8 के करीब होनी, जैसे उसमें थी 7 के करीब है। 7.82 की कितनी है, 3.25 है। जब अगर आपके परसेंटेज मान के चलो 78% है तो उसके लिए 32%, अच्छा आधी करीब है। क्या 4.5 आज कर सकते हैं? हां 4.2, हाँ फोर से ज्यादा अज्यूम कर सकते हैं। हाँ कुछ अराउंड 4 अज्यूम कर सकते हैं, 3.5 अज्यूम कर सकते हैं मेरे हिसाब से, 3.6 या 3.7 ऐसा कुछ करके, या फिर 4 भी कर सकते हैं, राइट? 4 तक कर सकते हैं हम इजीली। एक सेकंड मुझे दे दीजिए आप। चलो अब इसको प्रेडिक्ट करते हैं। अराउंड देखो मैंने जो बोला है 3.6 और 3.7 के अराउंड आएगा, 3.784 जो आप बोले थे, राइट, उसके ही अराउंड ये नंबर आ गया है। मतलब कि आपको ये लॉजिक पता चल गया है, वैसे ही हमारे मॉडल को भी पता है। अब ये उसके पास भी कुछ इंटरनल फॉर्मूला उसने तैयार किया है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन बीटा टू एक्स टू। इसमें क्या है, सिर्फ बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक्स वन एक ही वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन है उसके पास, बस वो क्या कर रहा है, वैल्यू पुट करते जा रहा है। अब वो दो वैल्यू कौन सी है, इंटरसेप्ट और वो, हाँ हाँ हाँ, m वैल्यू। हाँ कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट वो अप है, क्या है उसका, तो सर कॉप होता है सीओ टेबल। राइट राइट, अब कोएफिशिएंट कितना, 0.52 और इसका इंटरसेप्ट का, इंटरसेप्ट का ये तो था, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर है क्या उसका, तो उसका देखो इंटरसेप्ट अंडरस्कोर कितना है, -79.79। इसका मतलब क्या कि कुछ इस टाइप बनाया आपने, माइनस माइनस मतलब यहां से मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, नीचे आना पड़ेगा, इस टाइप बनाया है, टाइप लाइन बनी है। यहां से वाई जो कट हो रहा है वो माइनस में कट हो रहा है, और यहां पे ये जो स्लोप है वो स्लोप की वैल्यू आ गई है, ये आ गई आपकी बेस्ट फिट लाइन। वो ये आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, इसके अराउंड एक्सपेरिमेंट करते रहो, चैट जीपीटी को भी थोड़ा पूछ लो, राइट, या फिर नोटबुक्स देख लो, उसको एग्रीगेट करो और ये कंसेप्ट क्लियर कर दो खुद के, ताकि आपको ये वन बाय वन प्रिंट करके भी देखो सब कुछ, ये कैसे ये क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें, ठीक है। ये दो वैल्यूज मिल गए हमारे हमें, तो एम एक्स प्लस सी में एम मिल गया, सी मिल गया। अब एक्स की बारी, सिर्फ एक्स वो अलग अलग है, हर वक्त ये अलग अलग जाएगा मॉडल में, ओके। अब अजय का डाउट क्लियर हो गया है इसका, इसको यस यस कैसे करते हैं। थैंक यू सर। चल अब आते हैं हम इवैल्यूएशन टेक्निक्स के ऊपर।
कि कौन कौन सी इवैल्यूएशन टेक्निक्स है। सबसे पहले हम देखेंगे मीन, वैसे तो काफी सारी है ठीक है, आप जब देखोगे रियल टाइम में वर्क करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये चार पांच जो पढ़ाई है मैंने वही है, बट ये इम्पोर्टेंट है, सारी इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं आज। मीन, एब्सोल्यूट, एरर, मीन, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट ये काफी सिंपल मैट्रिक्स है। एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है ये, एरर मतलब अब मान के चलो कि एक एक्स है हमारे पास, एक वाई है, एक वाई हैट आ गया हमारे मॉडल के प्रेडिक्शन आ गए, तो एरर क्या है इसमें कोई बताएगा, एरर, एरर टर्म वाई माइनस वाई हैट, हां वाई माइनस वाई हैट, वाई हैट इसका, इस दोनों का डिफरेंस मतलब एरर आ गया हमारा, एरर राइट, इन दोनों का डिफरेंस जो भी है वो हमारा एरर है। एरर का ही सब कुछ खेल है यहाँ पे, एरर ही अलग अलग वे से कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं है अलग। अब कोई अलग फॉर्मूला बताता है, कोई इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले बताते हैं, उसका अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब एम ए क्या है फिर यहाँ पे, मीन एब्सोल्यूट एरर वो आता है, मीन, मीन बोला है इसलिए वन बाई एन में बाहर लिखता हूं ठीक है, मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ पे मीन, मीन है सबका मीन है, तो समेशन करूंगा मैं, सुनो समेशन ऑफ वाई माइनस वाई हैट, बट एब्सोल्यूट है इसलिए मैं मोड लिख रहा हूँ यहाँ पे मॉडल राइट, ये सिंबल। इसका मतलब क्या, अगर फाइव है यहाँ पे सिक्स है, और यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे फाइव है, तो यहाँ पे एरर क्या है, सॉरी 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 यहाँ पे राइट, वाई एक्चुअल हमारा वाई है पांच, बट मॉडल ने बनाया बताया ये वैल्यू छह है, अब एक्चुअल वैल्यू है छह, हमारे मॉडल ने बताया ये फाइव है, तो यहाँ पे एरर क्या आएगा, वन आएगा, और यहाँ पे ये माइनस वन होगा मान के चलो, या फिर यहाँ पे माइनस वन होगा, फाइव माइनस सिक्स, यहाँ पे प्लस वन होगा, और यहाँ पे क्या है ये वाई माइनस वाई हैट का, ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर करें हम तो, अगर यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिखता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा, और इसका इसका मीन करे तो वन आएगा, वन बाई टू, इसका मीन तो वन ही आएगा, सॉरी वन बाई टू, राइट राइट, बरोबर बराबर आपका बराबर राइट, वन बाई टू आएगा, टू टोटल डेटा पॉइंट्स, ये है ये, तो ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर समेशन ऑफ वाई माइनस वाई हैट डिवाइडेड बाय एन। सर यहाँ ये भी वन आएगा ना, हाँ वन आएगा सर, टू बाई टू, टू बाई टू, सॉरी सॉरी टू बाई टू राइट, वन आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, वन आएगा, ये भी वैल्यू टू होगी ना, वन नहीं होगी, टू बाय टू करेक्ट है, तो यहाँ पे ये एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ये क्या है हमारा, ये है एक्चुअल और ये प्रेडिक्टेड मतलब मॉडल ने बताया है ये आउटपुट, समेशन क्यों है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल के लिए है, तो ये निकला हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन इसी का मीन लिया है, दैट्स इट एब्सोल्यूट एरर का। तो अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमें ये पता लगता है एक्चुअली द एमएई इज इन सेम यूनिट एज द आउटपुट वेरिएबल, ये एक ही यूनिट में है, मतलब जो भी इसका यूनिट है, इसका
ये उसी के यूनिट में है, ये स्क्वेयर यूनिट में है क्या? नहीं है, स्क्वेयर यूनिट में शायद पता नहीं चलता है उतना। तो काफी बड़ी बड़ी वैल्यू होती है स्क्वेयर यूनिट। मान के चलो कि अब यहाँ पे मुझे ट्रिप ड्यूरेशन प्रेडिक्ट करना है, ट्रिप ड्यूरेशन। अब ट्रिप ड्यूरेशन में क्या है, मल्टीपल एक्स वेरिएबल्स है हमारे पास, और वाई और वाई हैट, राइट, ये हमने दो बनाए। वाई में मान के चलो कि ट्रिप ड्यूरेशन सेकंड्स में है, तो यहाँ पे 147, 200, 2100, 3750 सेकंड्स, और यहाँ पे जो वाई हैट है उसकी वैल्यू अराउंड 120, 200, 2347, 3850 ऐसी कुछ है। अब जो इनका डिफरेंस निकल के सामने आएगा एब्सोल्यूट टर्म में, ये तो इसी के यूनिट में होगा, सेकंड में ही होगा। बट अगर आप ऐसा करोगे जैसे कि हम इसमें करते हैं, राइट, मी एमएसडी में मीन स्क्वेयर्ड एरर में, मीन स्क्वेयर्ड एरर। अब मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या है, मीन स्क्वेयर्ड एरर इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ y माइनस y हैट होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहा है एरर का, उसका हम स्क्वेयर कर रहे हैं, तो ये जो आता है वो काफी बड़ा नंबर आता है। अब यहाँ पे आप देख लो, अगर ऐसा कुछ आ गया 147 आता है क्या इसका डिफरेंस, अब इसका डिफरेंस क्या आएगा 247, इसका डिफरेंस क्या आएगा राइट 100, अब इसका स्क्वेयर कर दो और इसका मीन निकालो, फिर आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा एक नंबर आ जाएगा? उससे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट हमारा मॉडल अच्छा बना है, कितना अच्छा बना है, कितना बुरा बना है, क्योंकि वो स्क्वेयर्ड में है। शायद ये लगेगा आपको कि काफी डिफरेंट, मतलब बहुत बड़ा नंबर आया है तो मॉडल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, लग सकता है, राइट। इसलिए हम मीन एब्सोल्यूट एरर, हमें इंट्यूटिव लगता है मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, ये ज्यादा इंट्यूटिव है, क्योंकि ये दोनों भी सेम यूनिट्स में है एज दैट ऑफ आवर वाई वेरिएबल, वाई वेरिएबल के ही यूनिट में है ये आरएमएससी और एमएई, ये स्क्वेयर्ड यूनिट्स में है। तो इससे क्या होता है, वैल्यू इन्फ्लेट होती है एरर की वैल्यू एमएससी में, राइट। अब यहाँ पे देखो, जो भी 27 का स्क्वेयर निकालो काफी बड़ा नंबर आएगा, इसका तो काफी बड़ा नंबर आएगा, राइट, इसका बड़ा नंबर आएगा, उसका मीन निकालो फिर वो भी काफी बड़ा नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने लीटर्स का शायद होगा वो, काफी बड़ा। तो हमें लगता है कि मॉडल हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, तो ये स्क्वेयर यूनिट्स में है। इसलिए यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है इसका, एमएई का, एमएई इज इन द सेम यूनिट बोलते हैं इसको, इसलिए सेम यूनिट एज दैट ऑफ आउटपुट वेरिएबल। और ये रोबस्ट टू आउटलायर्स भी होता है, अगर आउटलायर रोबस्ट टू आउटलायर्स, ये रोबस्ट टू आउटलायर्स नहीं होता, क्योंकि आउटलायर्स जितने ज्यादा फिर तो एरर टर्म उतनी ज्यादा, और एरर टर्म उतनी ज्यादा तो स्क्वेयर भी उतना भी बड़ा, तो आउटपुट का काफी इफेक्ट, सॉरी आउटलायर का काफी इफेक्ट होता है यहाँ पे, आउटलायर इफेक्ट करता है, आउटलायर इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं करता। बट फिर आप बोलोगे कि फिर ये क्यों नहीं यूज करते हम हमेशा ये, या फिर रूट इसका, इसी का रूट क्यों नहीं यूज करते, या फिर एटलीस्ट ये क्यों नहीं यूज करते मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का डिसएडवांटेज ये है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब, कोई बताएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन,
डेरिवेटिव नहीं ले सकते उसका। हाँ इसका हम डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब डेरिवेटिव हम नहीं ले पाएंगे। तो डेरिवेटिव कहाँ लगता है कोई बताएगा? ग्रेडिएंट डिसेंट में स्टेप चेंज कर दो। हाँ वेरी गुड, ये लगेगा आपके एरर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट में, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में लगेगा, राइट। और फिर वहां पे आप ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको इसका डेरिवेटिव फर्दर नहीं निकाल पाओगे आप, बट इसका निकाल पाओगे, एमएससी का निकाल पाओगे, मीन स्क्वेयर एरर्स का। एमएससी का फॉर्मूला बताया हमने, वी कैन इजीली यूज इट एज अ लॉस फंक्शन, ये हम लॉस फंक्शन यूज कर सकते हैं इसका, लॉस फंक्शन, क्योंकि ये डिफरेंशियबल है, बट ये स्क्वेयर यूनिट में आती है तो ये उसका डिसएडवांटेज है। आउटलायर्स भी हम नहीं निकाल सकते, सॉरी आउटलायर्स का भी यहाँ पे इफेक्ट होता है अगर आउटलायर्स है डेटा सेट में। तो अब आप बोलोगे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो फ्रॉम स्केल लर्न डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन मीन स्क्वेयर एरर, मीन स्क्वेयर एरर, और मी अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये फंक्शन है राइट, और रजिस्टर ये फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें दो वैल्यू पास करते हैं, मीन स्क्वेयर एरर में दो वैल्यू पास करनी पड़ती है हमें, कौन कौन सी होगी वो? किसके दोनों को बीच में निकालते हैं ये? वाई टेस्ट और वाई एड के बीच में, बाय। यहाँ पे देखो कितनी आ गई, मीन स्क्वेयर एरर काफी कम है, मीन स्क्वेयर एरर। अब दूसरा एक इवेल्युएशन लेंगे हम टेक्निक, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये सेम यूनिट में है, इसका जो भी यूनिट है वाई ब्रेड का, इस सेम यूनिट में है, मेन एब्सोल्यूट एरर। आप देखेंगे रूट मीन स्क्वेयर एरर, अब रूट एच का अगर रूट रूट निकालते हैं हम मीन स्क्वेयर मीन सॉरी मीन स्क्वेयर एरर का, तो उसको बोलेंगे हम रूट मीन स्क्वेयर एरर, तब ये भी सेम यूनिट में होता है जो यूनिट वाई का है। पर इसका भी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आउटलायर को रोबस्ट उतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद और एक आता है इवेल्युएशन मैट्रिक, जिसको हम आर एम एस एल ई बोलते हैं, रूट मीन स्क्वेयर लॉग एरर, लॉग है ये मीन सॉरी रूट रूट मीन स्क्वेयर लॉग एरर आर एम एस एल ई, आर एम एस एल ई, अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम, सिंपली एनपी डॉट लॉग, लॉग निकाल रहे हैं हम, किसका लॉग निकाल रहे हैं, मीन स्क्वेयर एरर।
एरर, बस मीन स्क्वेयर्ड एरर ऑफ वाई प्रेड या फिर वाई प्रेड कॉमा वाई टेस्ट, प्रेडिक्शन और टेस्ट के बीच में जो भी मीन स्क्वेयर्ड एरर आ रहा है उसका हम लॉग वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि taking the log of RMSE matrix slows down the scale of error, slows down. The metric is very useful when you are developing a model without calling the inputs. In that case, the output will be, or output will vary on the large scale. So output जो है वो large scale पे vary होता है। अगर लार्ज स्केल पे वैरी हो रहा है तो उसका सिर्फ लॉग निकालो आप, क्योंकि तो इसको रिड्यूस करना है आपको, मीन स्क्वेयर्ड एरर को एनपी डॉट लॉग से रिड्यूस करना है। अगर काफी बड़े वैल्यूज हैं और काफी स्टैंडर्ड डेविएशन काफी ज्यादा है उसमें, उस केस में तो आप क्या कर सकते हो, लॉग यूज कर सकते हो। जनरली हम ये टेक्निक नहीं यूज करते। फिर आता है आपका आर टू स्कोर और एडजस्टेड आर टू स्कोर, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स। आर स्क्वेयर बोलते हैं हम उसको, आर स्क्वेयर या फिर आर टू स्कोर या फिर सिर्फ स्कोर, स्कोरिंग बोलते हैं हम, स्कोरिंग करना आर टू स्कोर। तो आर स्क्वेयर्ड क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है ये। इसका डेफिनेशन क्या है, अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर द इवैल्यूएशन टेक्निक्स यू हैव यूज्ड इन रिग्रेशन मॉडल्स, और व्हाट डू यू मीन बाय आर टू स्कोर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर टू स्कोर एंड एडजस्टेड आर टू स्कोर। तीन क्वेश्चन निकल के आएंगे यहाँ पे। और इफ वी हैव मीन स्क्वेयर्ड एरर व्हाई वी गो फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये भी पूछेंगे। लिखा करो क्वेश्चंस ऐसे, जब मैं बताता हूँ उसके बाहर तो कुछ आने वाला है नहीं मशीन लर्निंग में, तो ये लिखा करो। R square is also known as the question repeat karna hai theek hai, what is difference between R2 score and adjusted R2 score, ye pehla question। chalo dusra question, what is difference between mean या फिर ऐसे लिखो, इफ वी हैव मीन स्क्वेयर एरर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रूट मीन स्क्वेयर एरर। और एक कॉमन क्वेश्चन, व्हाट आर द इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन रिग्रेशन मॉडल। ये सारे आ जाएंगे इवैल्यूएशन टेक्निक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आर स्क्वेयर्ड इज आल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन पूछा कोई आपको, तो आपको ये बतानी है, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन या फिर वेरियंस और वेरिएशन इन वाई
explained by the independent variables. Independent variables x. तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कितना वेरिएशन शो कर रहे हैं हमारे y का, मतलब कि मेरे पास आपका सब डेटा है और मैं कितना आपके बारे में बता पा रहा हूँ फ्यूचर का, आपके फ्यूचर का कितने कितना बता पा रहा हूँ। मैंने अगर मान के चलो कि 80% बता दिया, वो एक्यूरेट निकला तो मेरी मेरा आर टू स्कोर होगा 80%। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप आपका वेरियंस, मतलब आप फ्यूचर में क्या करोगे या फिर राइट वो प्रिडिक्शन में आप अगर मैं आपका बता पा रहा हूँ और वो एटलीस्ट 80% ट्रू हो रहा है फ्यूचर में, तो हमारा स्कोर 80% आ गया। तो सब तो यहाँ पे स्कोर ज्यादा होना चाहिए, जो आप हमने अभी तक इवेल्युएशन टेक्निक्स देखे मीन स्क्वेयर्ड एरर्स वाले सारे एरर्स वाले जो इवेल्युएशन टेक्निक्स देखे, एरर्स जीरो होना चाहिए, आइडियली तो नहीं हो सकता बट कम से कम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे हमारा मॉडल अच्छा बना है। और ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये वेरियंस एक्सप्लेन करता है वाई का, मतलब एक्स हमारे एक सारे वेरिएबल्स हमारे कितना वेरियंस शो कर रहे हैं वाई का, वाई की कितनी इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं, मतलब कितने आंसर्स दे पा रहे हैं, 80% आंसर्स दे पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ 80% एक्यूरेसी है हमारे मॉडल की। टेक्निकली ऐसा नहीं होता है, एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन के लिए होता है ये इवेल्युएशन मैट्रिक, रिग्रेशन टास्क के लिए एक्यूरेसी नहीं होता है, बट लेमन टर्म में हम बोल देते हैं कि ओ ओके इसका एक्यूरेसी इतना है, और एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन आपको इंटरव्यूअर के सामने बतानी है, इसका रट्टा लगाओ। सर ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? आइडियली ये 0 से 1 वेरी होना चाहिए, बट आइडियली 1, बट कभी कभी ये नेगेटिव में जाती है वैल्यूज, तो अब मैं आता हूँ उसके, बट ये जनरली वेरी होनी चाहिए 0 to 1, बट किन केस में ये निगेटिव होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए इसको एक्यूरेसी नहीं बोलते, क्योंकि एक्यूरेसी हमेशा 0 to 1 में वैरी होती है, 0 to 100% ही होती है, निगेटिव में कभी एक्यूरेसी नहीं जाती, बट आर टू स्कोर निगेटिव में जाता है। It is the measure of goodness of fit of the model. Fit of the model मतलब क्या? Measure of goodness है ये, कितना अच्छा बना है हमारा model। और अब इसको calculate कैसे करते हैं R2 score को? R2 score is the रेशियो बिटवीन रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वेयर्स एंड टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स। तो इसका फॉर्मूला है 1 माइनस, तो 1 से कमी होना चाहिए एक्चुअली, राइट? तो कितनी कितनी रेंज होनी चाहिए? आइडियली 1 से कम होनी चाहिए, बट ये कभी कभी निगेटिव में जाती है। जब निगेटिव में कब जाएगी? कौन सा बढ़ना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए ये बताओ। ये दोनों टर्म, मतलब दोनों में से कौन सी टर्म? SSR ज्यादा होगी तो SSR ज्यादा होना चाहिए। रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वेयर्स बोलते हैं उसको, SST को टोटल टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स बोलते हैं। सम ऑफ स्क्वेयर्स SSR क्या है? यहाँ पे SSR है हमारा प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल, स्क्वेयर्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन y माइनस y हैट
होल स्क्वायर है। और SST क्या है? टोटल है ये, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस। ये क्या है हमारा? टोटल सम है, सम राइट, सम ऑफ y माइनस y हैट होल स्क्वायर, समेशन है ये। तो SSR एक्चुअल एक्चुअली क्या हुआ? SSR मतलब SSR इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n y माइनस y हैट होल स्क्वायर। और SST का मतलब क्या हुआ? ये है y माइनस y हैट राइट, SSR। और SST समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n y i या फिर y माइनस y एवरेज होल स्क्वायर, सम सम का ये एवरेज, एवरेज होल स्क्वायर SST। SSR और ये SST में डिफरेंस है यहां पे। ये क्या है? y माइनस y हैट एवरेज है, y हैट का एवरेज है ये, सिर्फ y हैट अलग अलग इंडिविजुअल का है, ये टोटल का है, टोटल का है ये। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। अब हाँ, ये इसकी जो रेंज होती है ये माइनस में होती है, माइनस काफी हो सकती है, तो इसलिए हम बोलते हैं उसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस वन, मतलब वन, माइनस इन्फिनिटी टू वन होती है। आइडियली क्या होनी चाहिए? थियोरेटिकली जीरो टू वन होनी चाहिए एक्चुअली, बट होती नहीं है ये, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू वन होती है। अगर आर टू स्कोर हमारा मान के चलो कि जीरो आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? पुअर फिटिंग बोलेंगे इसको, मॉडल हमारा ठीक से फिट नहीं हुआ है, यहाँ पे पुअर फिटिंग है, नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर आर टू स्कोर निगेटिव है तो क्या इंटरप्रेट करेंगे हम? Here the break turns, हाँ बोलो, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि predictions is so bad that the residual sum of squares becomes greater than total sum of squares, जो अभी आपने बताया हमें। मतलब क्या? तो मतलब इसका ये होता है, इट मींस मॉडल इज परफॉर्मिंग वर्स देन द हॉरिजॉन्टल लाइन विच प्रेडिक्ट्स द मीन वैल्यू एवरी टाइम। अब ये मीन भी नहीं, मतलब अगर वाई है और वाई हैट है राइट, वाई की मीन भी अगर प्रेडिक्ट कर रहा है तो वो कुछ इस टाइप डेटा है हमारा राइट। और हमने एक निकाली हॉरिजॉन्टल लाइन, और कुछ भी एक्स हो मैं तो वही प्रेडिक्ट करूंगा बोल रहा हूं मैं, एक्स की वैल्यू कितनी भी हो मैं तो मीन ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं। और ये मॉडल हमारा ये भी नहीं करता, मतलब वर्स्ट मॉडल बना है, ये मीन भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा राइट। अगर मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर ने अभी तक राइट वन डे मैच में उसका एवरेज स्कोर है 51, 51 पे मतलब लगभग 51 स्कोर उसका एवरेज स्कोर है, और एक मैच हुआ
मैच राइट क्रिकेट मैच हुआ और क्रिकेट मैच में मैं प्रेडिक्ट ये भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ये 51 निकालेगा, ये एवरेज देख के भी मैं बता नहीं रहा, मतलब कि ये तो मॉडल पूरा वर्स्ट मॉडल बना है राइट, क्योंकि मैं एवरेज भी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा निगेटिव स्कोर का मीनिंग। निगेटिव अगर स्कोर आ गया आपका तो आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो उसको। इसीलिए यहाँ पे SST का फॉर्मूला जो बनाया हमने, y माइनस y एक्चुअली एवरेज है, ठीक है, y ब्रेड का एवरेज नहीं है, इसी का एवरेज है, y का ही एवरेज है, जो भी हमारा y है उसी का एवरेज है। और SSR का क्या है थिंग, यहाँ पे ये तो समेशन है, ठीक है, ये समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे भी समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे क्या है yi माइनस y हैट है होल स्क्वायर, बस इतना डिफरेंस है। ये प्रेडिक्शन है, ये एवरेज है इसी y का, प्रेडिक्शन y का नहीं है। पहले कुछ देर पहले मैंने ये बताया था राइट, प्रेडिक्शन का है, प्रेडिक्शन का नहीं है, इसी का है एवरेज। तो SST और SSR, 1 माइनस SSR डिवाइडेड बाय SST राइट, ये फॉर्मूला हमारा R टू स्कोर का है। अब उसमें भी अगर डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं और हमारी लाइन ऐसी जा रही है तो आप उस लाइन को बोलेंगे परफेक्ट फिट। अब डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं और हमारी लाइन ऐसी जा रही है तो उसको बोलेंगे गुड फिट, और डेटा पॉइंट या ऐसे है और लाइन जा रही है ऐसे तो एरर्स काफी ज्यादा है, अब इसको बोलेंगे बैड फिट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ प्रेडिक्टेड वैल्यू लाइज फार फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, SSR विल इंक्रीज टुवर्ड्स इंफिनिटी, हेंस रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ आर टू स्कोर। अब यहाँ पे देखो, अगर इस टाइप ग्राफ है हमारा और ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स है और ये मीन वैल्यू जा रही है, मीन वैल्यू हमारा 100 है और ये 150 से ऐसी एक लाइन जा रही है y, तो मान के चलो कि आर टू स्कोर इक्वल टू 1 माइनस SSR होता है और SST होता है, और अगर 1 माइनस इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई, मान के चलो कि 11623 और इसकी वैल्यू बहुत कम आ गई 1320, तो ये क्या होगा माइनस 7 होगा, तो माइनस 7 होगा एक्चुअली इस लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन से जो भी हमारे रिजल्ट मिले हैं SSR SST से काफी ज्यादा है, तो इसलिए ये जो लाइन बनी है ये डार्क वाली लाइन, ये बैड फिट लाइन है एक्चुअली, ये एवरेज भी नहीं बता पा रही, ये तो एवरेज है राइट, ये भी नहीं बता पा रहे हम, ये एवरेज से नीचे आ रही है, एवरेज से भी हाँ कभी ऊपर है कभी नीचे काफी है, तो इसका मतलब भी नहीं बन रहा है। और उस केस में एक्चुअली SSR काफी ज्यादा बनेगा, और इसके मतलब जो हमारा SST हमेशा ज्यादा रहना चाहिए SSR से। हाँ तब ये काफी अच्छा होगा मॉडल राइट, SST जितना ज्यादा है। हमारे ये वैल्यू
जितनी जीरो के करीब है, जीरो पॉइंट, उतनी उतना आर टू स्कोर बढ़ेगा हमारा, ये पूरी टर्म कम कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है आर टू स्कोर के। अब ये क्या करता है, जितना आपका वेरिएबल्स की साइज बढ़ेगी, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स हंड्रेड, तो आर टू स्कोर भी बढ़ने लगता है, आर टू स्कोर बढ़ता है एक्चुअली उस केस में। वो मतलब वो सही रिफ्लेक्शन नहीं है मॉडल का, इसका मतलब ये नहीं कि मॉडल काफी अच्छा बना है, एक्चुअली काफी सारे वेरिएबल्स आ गए इसलिए आर टू स्कोर बढ़ गया इस केस में। कि अब यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे पहले एक ही वेरिएबल था, अब दो वेरिएबल आ गए, बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। अब फिर से एक आ गया इस केस में प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आ गया। अब ये प्रॉब्लमेटिक है, अब जितने जितने वेरिएबल्स आप बढ़ाओगे उतना वो प्रॉब्लमेटिक होगा। कैसे होगा, इफ वी एड न्यू वेरिएबल टू आवर एस एस आर, तो एस एस आर में अगर एक नया वेरिएबल आप ऐड कर रहे हो तो ये क्या करेगा, एस एस आर विल गोज डाउन एंड एस एस टी अफेक्ट नहीं होगा, ये अनचेंज रहेगा उस केस में। तो इस केस में क्या होगा, ये कम 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 वैल्यू होती रहेगी एस एस आर की, एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टी की वैल्यू विल डिक्रीज, और इसका इफेक्ट ये होगा कि आर टू स्कोर अपना बढ़ने लगेगा। जितने वेरिएबल्स आप ऐड करते हो उतना एस एस आर कम होता रहेगा। इसलिए एक और एक यहाँ पे इवैल्यूएशन टेक्निक है, उसका नाम है एडजस्टेड आर टू स्कोर, एडजस्टेड आर टू स्कोर। अभी जितने वेरिएबल्स हमारे एक्स बढ़ेंगे उतना तो एक्चुअली यहाँ पे आर टू स्कोर भी बढ़ रहा है, या फिर एस एस आर कम हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल आर टू स्कोर हमारा अच्छा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मॉडल भी अच्छा बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं आर टू स्कोर को। हम एडजस्ट कैसे करते हैं आर टू स्कोर को, तो एडजस्टेड आर टू स्कोर, एडजस्टेड आर टू स्कोर इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस आर स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस पी माइनस वन, और पी क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल्स, तो पता है पी, और एन तो पता है आपको, पी इज दी नंबर ऑफ वेरिएबल्स और एन इज दी सैंपल साइज, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या फिर रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहां पे देखो ये पी को माइनस कर रहे हैं हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, इसलिए जब जब हम एक एक वेरिएबल्स ऐड करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड कर दिया तो ये क्या करेगा, पी वैल्यू बढ़ाएगा, यहाँ पे पी वैल्यू बढ़ाएगा तो ये ओवरऑल ये टर्म डिक्रीज करेगा, ये ओवरऑल टर्म डिक्रीज करेगा, अगर ये टर्म डिक्रीज करेगा तो ये टर्म इंक्रीज हो जाएगी, और ये टर्म इंक्रीज पूरी होती है, ये टर्म इंक्रीज होती है तो ये भी टर्म इंक्रीज हो जाएगी, ये भी टर्म इंक्रीज हो जाएगी, और ये टर्म इंक्रीज होती है तो ओवरऑल हमें एक डिक्रीज करना है एक्चुअली इसको, तो ये होता है डिक्रीज करना है, डिक्रीज कैसे करना है, यहाँ पे इसको बढ़ाओ पी को ऐड कर लो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ओवरऑल टर्म को थोड़ा सा एडजस्ट करेगा। अब इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता इंटरव्यू में, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेड आर टू स्कोर
imposes a cost on adding variables to the regression. It will imposes a cost. एक पेनल्टी टर्म ऐड कर की है हमने यहाँ पे पी में, पी यानी एक पेनल्टी टर्म है. तो कॉस्ट टर्म है या फिर पेनल्टी टर्म है, हमने वो ऐड कर दी. एडजस्टेड ऑटो स्कोर का फॉर्मूला फिर सिंप्लीफाई किया तो ऐसा बनेगा. R2 score and adjusted R2 score are both used for evaluation of goodness of fit of regression model. R2 score represent proportion of variance in the dependent variable explained by the independent variable. Adjusted R2 score considers the number of predictors in the models and penalize excessive variables. देखो यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वेयर एन माइनस वन इंटू डिवाइडेड बाई एन माइनस पी माइनस वन. पी की वैल्यू बढ़ेगी तो एन माइनस पी माइनस वन की वैल्यू घट जाएगी, और इसकी घट गई तो इसकी बढ़ेगी, और इसकी बढ़ी तो एडजस्टेड आर स्कोर की फिर से कम हो जाएगी क्योंकि 1 माइनस कर रहे हैं हम. देखो यहाँ पे इस आर्टिकल में अच्छा दिया है इसका एक्सप्लेनेशन, राइट. सो एज पी इंक्रीजेस द डिनोमिनेटर गोइंग टू बी अ स्मॉलर टर्म, इट मींस दैट होल दिस टर्म, दिस एंटायर टर्म विल बिकम अ लार्जर नंबर. एंड व्हेन दिस लार्जर टर्म इज सब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन, द वैल्यू of adjusted R2 is going to be smaller value. अब ये थोड़ी सी बढ़ गई इसके कारण, P के कारण, तो ये entire value क्या होगी, ये कम हो जाएगी, right? और वही हम चाहते हैं, entire value, ये थोड़ी सी penalty हम add कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा बढ़े ना. और यहाँ पे फिर case 2 में क्या होगा, When independent features are significant, अगर ये significant है फीचर, सही में significant है, तो final value तो बढ़ने ही वाली है वैसे भी अपनी, पर सिर्फ variable बढ़ रहे हैं इसलिए हमारा R2 score बढ़ रहा है, ऐसा ना हो इसलिए हमने adjusted R2 score use किया. अब आप अगर अगर आपके पास ज्यादा variables है 50, 60, 30, 35, तो मैं recommend करूंगा आप एज इवेल्युएशन टेक्निक्स एडजस्टेड R2 स्कोर यूज करो. बट हमें रियल टाइम में सारी इवेल्युएशन टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, उसको वैलिडेट करना पड़ता है अलग अलग एंगल से, फिर एक इवेल्युएशन टेक्निक फाइनलाइज करनी पड़ती है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा कैसे हम वो चीज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो रेसिड्यूअल्स कैलकुलेट किया है और बाकी सारे फॉर्मूलेस हमने यूज करके आंसर्स भी निकाले हैं. मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, मैक्सिमम एरर. अब मैक्सिमम एरर एक और एक इवेल्युएशन टेक्निक है. मैक्सिमम एरर क्या करेगा, मैक्स वैल्यू ढूंढ के निकालेगा.
मैक्सिमम एरर वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम एरर कितना है, तो फर्स्ट केस में 2.5 है, 0.5, 0 और 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी, 1 बनी, राइट। यह हुआ है हमारा मैक्सिमम एरर इवैल्यूएशन टेक्निक। एडजस्टेड और आर टू स्कोर अभी देखा हमने, रूट मीन स्क्वायर देखा हमने, एमएससी देखा, मीन एब्सोल्यूट देखा। अब मीन एमएपीई एक बार ढूंढ के निकालो आप, ठीक है, और हमें कल बताओ एमएपीई क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर लिख लो, सिंपल कंसेप्ट है, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछो। हमने इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये भी हमने डिस्कस किया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा, इसके लर्न में ऑलरेडी इवेल्युएशन मैट्रिक्स है तो हमें मैन्युअली फार्मूलाज क्रिएट करने की जरूरत नहीं, अगर मैन्युअली करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। सर अगर हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं या फिर मॉडल इवैल्यूएट कर रहे हैं तो सब अप्लाई करके देखना पड़ता है या फिर एक ही करना है? नहीं, सब अप्लाई करना पड़ता है। और एक्चुअली क्या होता है कि इन दोनों, देखो यहाँ पे ये भी मैं बताऊंगा कि ये टेस्ट के ऊपर ही नहीं, ट्रेनिंग के ऊपर भी हमें यही करना पड़ता है। अब ट्रेनिंग के ऊपर कैसे करोगे आप? अब देखो ये प्रेडिक्ट किया है, राइट। अब प्रेडिक्ट में क्या बोलता हूँ यहाँ पे मैं, आप क्या करो यहाँ पे y प्रेड ट्रेन बोलता हूँ, ठीक है, ट्रेन बोलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग डेटा पास करता हूँ, फिर से ट्रेनिंग के ऊपर आ जाएंगे सारे प्रेडिक्शंस। अब y प्रेड ट्रेन हो गया, ये देखो ट्रेनिंग के ऊपर प्रेडिक्शंस है, और y ट्रेन क्या है एक्चुअल वो भी देखो, y ट्रेन ये एक्चुअल है y ट्रेन। तो पहला देखो धीरे थोड़ा थोड़ा मैचिंग है, राइट, इसका मतलब मॉडल हमारा अच्छा है, अच्छा बना है। देखो यहाँ पे 2.41 है, यहाँ पे 2.31 है, तो मैचिंग है। बट अब आप बोलोगे कि ट्रेनिंग के एरर्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये टेस्टिंग के एरर्स है, राइट, टेस्टिंग एरर्स है। अब हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ वाई ट्रेन निकालेंगे, PRAIN ट्रेन निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम y प्रेड ट्रेन के साथ कंपेयर करेंगे इसको, y ट्रेन y प्रेड ट्रेन के साथ, यहाँ पे आइडियली y प्रेड टेस्ट होना चाहिए, तो हमने सिर्फ y प्रेड करके लिखा है ना, यहाँ पे y प्रेड टेस्ट होना चाहिए, फिर ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का दोनों का एरर हम देखेंगे कितना कितना आ रहा है। चलो देखते हैं, अब देखो यहाँ पे 0.28 आ रहा है इस, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पे आ रहा है 0.39, 0.4 आ रहा है, यहाँ पे 0.3 आ रहा है, तो लगभग लगभग सेम है। अब आर टू स्कोर कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है आर अंडरस्कोर स्कोर स्केलर मैट्रिक्स में ही, ये भी हमने इंपोर्ट किया, और यहाँ पे क्या करते हैं हम अब आर टू स्कोर लिखते हैं, आर टू स्कोर ऑफ सेम ये जो है,
आर टू स्कोर 50 आ गया, कम आ गया है राइट। और ट्रेनिंग का कैलकुलेट करते हैं, और सॉरी ट्रेनिंग का ही निकला है, टेस्टिंग का कैलकुलेट करते हैं। टेस्टिंग का वाई टेस्ट और वाई प्रेरण ये पास करेंगे सिर्फ दो, और ये दोनों कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 0.6 आ गया ये। अब देखो ट्रेनिंग ट्रेनिंग एक्चुअली टेस्टिंग का थोड़ा सा ज्यादा है, ट्रेनिंग का थोड़ा सा कम है, तो आइडियली ये नहीं होना चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए ठीक है मॉडल बनाने में। तो आपको क्या करेगा, इसको ट्यून करना पड़ेगा। अगर इतना ऐसा डिफरेंस है तो टेस्ट का कभी ज्यादा आ रहा है, कभी ट्रेन का ज्यादा आ रहा है, तो ट्रेन का ज्यादा आया और टेस्ट का कम आया तो हम समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं हम ओवरफिटिंग, ओवरफिट। अब ओवरफिट निकालते कैसे है, ओवरफिटिंग ओवरफिट रिमेंबर करता है सब कुछ डेटा वो, ओवरफिटिंग ओवरफिटिंग बट किसको बोलते हैं, ओवरफिटिंग बोलते हैं हम। ट्रेनिंग में काफी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है आपकी, टेस्ट में नहीं आती है, और टेस्ट में नहीं आ रही है। ट्रेन में तो अच्छी आ रही है, टेस्ट में नो एक्यूरेसी, कम आ रही है। अंडरफिटिंग किसको बोलते हैं, अंडरफिटिंग ट्रेन में कम आ रही है, ट्रेन में कम आ रही है तो टेस्ट में कहां से आएगी, टेस्ट में भी नहीं आ रही है, दोनों में नहीं आई है, दोनों में नहीं आएगी अंडरफिटिंग। ये है ओवरफिटिंग, ये है अंडरफिटिंग। और अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब आप ट्रेनिंग के और टेस्टिंग के दोनों के स्कोर्स निकालोगे तभी फाइंड आउट होता है। रियल टाइम में ये दोनों भी निकालने पड़ते हैं, ट्रेनिंग वर्सेस टेस्टिंग। कभी कभी हम जल्दबाजी में सिर्फ ट्रेनिंग के निकाल देते हैं, काफी कुछ हम इम्प्लीमेंट नहीं करते वैलिडेशन पार्ट, और हमें लगता है कि अरे हमने तो सब कुछ कर दिया। ठीक है, काफी सारे टेस्ट करने पड़ते हैं ऐसे बाद में, ये क्या हो रहा है, फिर उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं उस चीज को, उस एरर्स को, वो हम आगे जाके थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। बट इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो ट्विक करने पड़ते हैं हमें, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जिसको हम बोलते हैं, देखेंगे हम आगे जाके वो। तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन टेक्निक्स। अब और एक चैप्टर हम देखेंगे वो है ओवरफिटिंग वर्सेस अंडरफिटिंग, जो मैंने अभी बताया आपको। बट उससे पहले हम 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग, ये ज्यादा हेवी टॉपिक नहीं है राइट। शायद आधे घंटे में हो जाएगा, ये पूरी थ्योरी है। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर आधा घंटा, फिर से आधे घंटे में बाकी एक टॉपिक कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है एक और टॉपिक बचता है रिग्रेशन का, राइट। लास्ट फोर रिज रिग्रेशन वगैरह देखते हैं उसका अगले सेशन में, या फिर कल के सेशन में, और कल फिर क्लासिफिकेशन को शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन मॉडल्स। सात मिनट बाद आते हैं वापस।
हेलो
चलो सारे वापस। यस सर। बाकी लोग आगे सर। यस सर। ठीक है रोहित कहाँ है? विवेक क्वांटर में हो, पूछता हूँ उनसे क्या बात है आज की। ठीक ठीक है तो हमने इसका कंटेक्स्ट सेट किया है राइट, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग क्या होती है, बस थ्योरी पढ़ते जाएंगे, कुछ नया है तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बट हाँ काफी सारे वेज है और ये ग्राफ राइट ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं वो चीज। अब बेस्ट फिट मॉडल क्या होता है हमें पता है, जहां पे एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है और एरर्स सबसे कम है उसको हम बेस्ट फिट मॉडल बोलेंगे, या फिर मॉडल हमारा अच्छा बना है ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब क्या, वो जनरलाइज कर पा रहा है, पर्टिकुलर पे हमने वो ट्रेन किया मॉडल को, अब वो जनरलाइज करता है और वो अच्छे तरह से कर रहा है, जनरलाइज करना राइट, उसको बोलते हैं हम जनरलाइज करना, जनरलाइज टू द न्यू डेटा, पर्टिकुलर डेटा पे हम ट्रेन करते हैं और उसको बोलते हैं आप जनरलाइज करो, मतलब जो भी नया डेटा आ रहा है अब उसको उसके ऊपर करो आप प्रेडिक्ट, तब वो अच्छा कर रहा है, उसका मतलब वो जनरलाइज, इट इज नाउ जनरलाइजिंग वेल ऑन द न्यू डेटा। अब अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग में दो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बायस और दूसरा वेरियंस। अब बायस क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि ये ट्रेनिंग के एरर्स है, बायस मतलब ट्रेनिंग के एरर्स ज्यादा हो, अजम्पशंस मेड बाय द मॉडल टू मेक अ फंक्शन इजियर टू लर्न, इट इज एक्चुअली द एरर रेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। तो अगर ट्रेनिंग में एरर्स ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि बायस्ड मॉडल बनाए, हाई बायस है उसके ऊपर, मतलब मॉडल हमारा बायस्ड बना है, देर इज हाई बायस, एंड वेन द एरर रेट हैज द लो वैल्यू इट इज कॉल्ड लो बायस। ये ट्रेनिंग डेटा के ऊपर है सब कुछ, एरर रेट ज्यादा है तो हाई बायस बोलेंगे, एरर रेट कम है तो लो बायस बोलेंगे। एरर मतलब हमें अब पता है एरर का मतलब क्या है, हमने वो देखा अभी एरर्स राइट एक नोटबुक में। अब वेरियंस क्या है, टेस्टिंग डेटा, द एरर रेट ऑन टेस्टिंग डेटा कॉल्ड वेरियंस। सिंपल सिंपल टर्म में व्हेन द एरर रेट हैज हाई वैल्यू वी कॉल्ड इट हाई वेरियंस। अब ये डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स के नहीं है, ठीक है स्टैटिस्टिक्स के बताना है तो स्टैटिस्टिक्स के बताओ इंटरव्यूअर को, और उसके बाद ये बताओ कि टेस्टिंग डेटा के एरर्स को हम वेरियंस बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा के एरर्स को हम बायस बोलते हैं। अब अंडरफिटिंग देखते हैं कि अंडरफिटिंग होता क्या है। अंडरफिटिंग मतलब इट खुद को ट्रेन ही नहीं कर पा रहा है, इट कैन नॉट कैप्चर द अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ द डेटा, ये ट्रेंड ही पता नहीं चल रहा है उसको कि डेटा का ट्रेंड क्या है। इट ओनली परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट बट परफॉर्म्स पुअरली ऑन टेस्ट डेटा सेट, थोड़ा सा कर भी दिया तो थोड़ा सा बेहतर करेगा बट टेस्टिंग के ऊपर तो बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आएगी, इसमें इस केस को भी हम अंडरफिटिंग ही कंसिडर करेंगे। अंडरफिटिंग डिस्ट्रॉयज द एक्यूरेसी ऑफ आवर मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये कब कब होता है, जब वी हैव फ्यूअर डेटा पॉइंट्स टू बिल्ड एक्यूरेट मॉडल। तो अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है उतना सफिशियंट और आप हमें बोला गया है कि मॉडल बनाओ तो वो तो अंडरफिट ही करेगा, अंडरफिट ही हो जाएगा। इस इन केस में, इन सब केस में हमें अंडरफिटिंग मतलब हमें हम ऑब्जर्व करते हैं राइट, अंडरफिटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग मोर डेटा। तो रीजंस क्या है, हाई बायस और लो वेरियंस,
मतलब हाय हाय बायस का मतलब हाय टेस्टिंग एरर ट्रेनिंग एरर्स हाय बायस यहाँ पे देखा है हमने हाय ट्रेनिंग डेटा ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो भी एरर है एरर रेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा वो हाई होना हाई बायस और लो वेरियंस द साइज ऑफ ट्रेनिंग डेटा इज नॉट इनफ मॉडल इज टू सिंपल बहुत ही सिंप्लीफाई हुआ है इक्वेशन मॉडल का इक्वेशन एम एक्स प्लस सी का ट्रेनिंग डेटा इज नॉट क्लीन एंड ऑल्सो कंटेंस नॉइज इन इट नॉइज मतलब आउटलायर्स इस केस में आउटलायर्स है उस केस में भी एक्यूरेसी काफी कम आएगी क्योंकि आउटलायर्स है तो ये अगर इस टाइप डेटा है हमारा आउटलायर्स है अब काफी यहाँ पे एक यहाँ पे है यहाँ पे है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है तो अब बेस्ट फिट लाइन जाएगी तो जाएगी कहाँ से यहाँ से अब ये सारे पॉइंट्स मिस हो गए तो काफी आउटलायर्स है इसमें उस केस में भी हमें हमारा मॉडल अंडर फिट होता है हमें अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलती है ट्रेनिंग के ऊपर ही टेस्टिंग में तो मिले नहीं मिलेगी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी टेक्निक्स टू रिड्यूस अंडर फिटिंग क्या क्या टेक्निक्स है एक तो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा इंक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या उसको कॉम्प्लेक्स करो आप कॉम्प्लेक्स मॉडल कैसे करते हैं हम अब जैसे कि मेरे पास पहले दो ही वेरिएबल है एक है ये एक है बी मैंने बोला है पहले भी राइट और ये वाई वेरिएबल ये दो एक्स वेरिएबल्स है हमारे पास ये और बी नाम के अब कॉम्प्लेक्स करना मतलब क्या मॉडल के वेरिएबल्स बढ़ा इंक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स अब आप बोलोगे कि कैसे बढ़ाओगे तो क्या करो ए और बी है हम मेरे पास बट इसको निकालो इसका ए स्क्वेयर कर दो इसका ये बी स्क्वेयर कर दो बी का फिर यहाँ पे टू ए बी करो टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कर दो ये हो गए चार वेरिएबल्स अब आपके पास और एग्जिस्टिंग दो वेरिएबल ए और बी ये भी हो गए तो कॉम्प्लेक्स बन गया मॉडल अब पहले तो सिर्फ एक इक्वेशन था बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन अब क्या हो गया आपके पास बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री फोर फाइव सिक्स तक हो गया आपके पास ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दिया आपने राइट इसको बोलेंगे हम मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स वही बार बार है रिपीट हो रहा है राइट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ फीचर्स बढ़ाओ नॉइज को हटाओ आउटलायर्स को हटाओ इंक्रीज द नंबर ऑफ इपॉक्स और इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग टू गेट बेटर रिजल्ट इपॉक्स मतलब इटरेशंस बढ़ाओ ये डीप लर्निंग का सॉल्यूशन है ठीक है ये मशीन लर्निंग का नहीं है इपॉक्स मतलब बार बार एक बैच को हम बार बार वही पढ़ा रहे हैं 10 बार पढ़ाया 30 इपॉक्स में 30 बार पढ़ाया अगर मैंने एक ही कंसेप्ट आपको 30 बार रिपीट किया तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी राइट क्योंकि एक बार में कभी कभी समझ में नहीं आता तो इस टाइप इपॉक्स काम करते हैं बट एसके लर्न मॉडल्स इपॉक्स के ऊपर बेस्ड नहीं है यहाँ पे नहीं होगा इपॉक्स हाँ कुछ एडवांस एल्गोरिदम्स है जैसे रैंडम फॉरेस्ट वगैरह वहां पे हम काफी सारे ट्रीज बना सकते हैं हर ट्री कुछ पैटर्न के ऊपर लर्न करेगी और हमें एग्रीगेटेड रिजल्ट देगी बट एज सच इपॉक्स नहीं है मशीन लर्निंग में ये डीप लर्निंग का सोल्यूशन है तो डीप लर्निंग का सोल्यूशन क्या है एक ही मॉडल बनाते हैं हम और मान के चलो 10,000 डेटा पॉइंट्स है तो 30 बार 10,000 डेटा पॉइंट्स बार बार मॉडल में जा रहे हैं इपॉक्स या फिर इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग भी इंक्रीज करो तब भी हो जाएगा अब ड्यूरेशन इंक्रीज करने के कौन कौन से वेज है रैंडम फॉरेस्ट में नंबर ऑफ ट्रीज की संख्या बढ़ाओ अब पहले 100 ट्रीज थी अब 500 ट्रीज हो गई तो जब 500 ट्रीज होती है एक हर एक ट्री को सीखने के लिए ज्यादा समय लगता है हर एक ट्री मतलब हर एक मॉडल है वो तो उससे भी ट्रेनिंग बढ़ती है ट्रेनिंग का टाइम बढ़ता है ये हो गया आपका अंडर फिटिंग अब ओवर फिटिंग सिनेरियो क्या है मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर तो काफी अच्छा प्रेडिक्ट कर पा रहा है बट टेस्टिंग के ऊपर नहीं कर पा रहा ट्रेनिंग के ऊपर अच्छा कर रहा है
टेस्टिंग के ऊपर रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसको बोलेंगे हम हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस मतलब ये वेरिएंस शो कर रहा है ट्रेनिंग का काफी अच्छे तरीके से, पर टेस्टिंग का वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम हाई वेरिएंस प्रॉब्लम। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मॉडल डज नॉट कैटेगराइज द डेटा करेक्टली बिकॉज ऑफ टू मेनी डिटेल्स एंड नॉइज। टू मेनी डिटेल्स, काफी सारे डिटेल्स है, काफी सारे वेरिएबल्स बढ़ गए हैं, या फिर काफी सारे आउटलायर्स है, उसकी वजह से भी वो हो रहा है, राइट? ये अलग अलग उसके रीजन है। द कॉज ऑफ फिटिंग ओवर फिटिंग आर द नॉन पैरामेट्रिक और नॉन लिनियर मेथड्स बिकॉज दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आर मोर have more freedom in building the model based on data set। मतलब क्या, अगर नॉन लीनियर मॉडल आपने बनाया, नॉन लीनियर मॉडल, लीनियर डेटा सेट के साथ ऊपर या फिर नॉन लीनियर डेटा सेट के ऊपर अगर आपने नॉन लीनियर मॉडल बनाया, तो ये क्या करता है, एक्चुअली हर एक डेटा पॉइंट को फिट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखो, इसने ये कर रहा है। अब पहले तो स्ट्रेट लाइन थी, अगर नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बना दिया आपने तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, पॉलीनोमियल हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर है तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मुझे इम्प्लीमेंटेशन दिखाना है आपको। यहाँ पे देखो, मेक पाइपलाइन में पॉलीनोमियल फीचर्स डिग्री लीनियर रिग्रेशन, तो ये पॉलिनोमियल फीचर्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 दे रहा है। क्यों 9 दे रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेरिएबल्स है टोटल x, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 9 हुआ, राइट? तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे पास करते हैं, और ये पास करने के बाद हम पॉलिनोमियल फीचर्स यूज करते हैं, पॉलिनोमियल फीचर्स ऑफ डिग्री, और फिर उसके बाद लीनियर रिग्रेशन मॉडल का नाम अपना। अब इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, इस मॉडल को। ये मेक पाइपलाइन बना के किया है इन्होंने, तो दूसरा कुछ वे है, पॉलिनोमियल देखो यहाँ पे फिट ट्रांसफर, पॉलिनोमियल फीचर्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और बायसनेस फॉल्स किया है आपने, इंक्लूड बायस इक्वल टू फॉल्स। तो पॉली फीचर्स क्या किया है, पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म फीचर्स को फिट ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब मल्टीपल हम पॉलिनोमियल फीचर्स बना रहे हैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां से आया ये पता चला आपको, अगर 4 वेरिएबल्स है हमारे पास x1 x2 x3 x4, तो हम जनरली पॉलिनोमियल डिग्री 3 देते हैं, बट डिग्री के साथ एक्चुअली आप प्ले कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो इतनी डिग्रीज देना है, राइट? तो 9, 10, 11, 12 जितनी भी देनी है उतना दे सकते हो, जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेगी उतने ज्यादा पॉइंट से वो लाइन गुजरेगी, ज्यादा से ज्यादा लाइन को पॉइंट्स को फिट करने की कोशिश करेगी हमारी लाइन। यहाँ पे देखो, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी क्या? नहीं बनी, ये प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पॉलिनोमियल काफी ज्यादा दे दिया, डिग्री काफी ज्यादा दे दिया उसको हमने, फ्रीडम काफी ज्यादा दे दिया, तो यहां से वो पॉलिनोमियल फीचर ले रहा है। पॉलिनोमियल फीचर लेना मतलब क्या, यहाँ पे हम देखते हैं इसका भी मतलब। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ऐसा ले लेंगे, और उसके बाद पॉली को पॉलिनोमियल फीचर्स हम देखेंगे, अब कितने बनाए उसमें, 1, 2, 3 बनाए, पहले कितने थे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इतने थे, राइट? अब उसने 2 और बनाए, तो डिग्रीज टोटल 3 दिया हमने, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 देने के बाद वो 3 फीचर्स क्रिएट किया, एक ओरिजिनल और बाकी 2,
इसका स्क्वायर लेता है जनरली, वो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करता है, इसका स्क्वायर लेगा देखो, तो इसको ए ए इंटू बी कर दिया शायद उसने, 9 into 3 27 16 into 4 64 राइट, ये कर दिया ए बी टू ए बी स्क्वायर, ऐसा करके वो क्रिएट करता है फीचर्स, नए फीचर्स। अब नए फीचर्स क्रिएट करना मतलब यहाँ पे नए फीचर्स एक बार तैयार हुए पॉलिनोमियल फीचर्स देके, अब इसके बाद उसने क्या किया, लीनियर नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन को फिट किया विथ पॉलिनोमियल फीचर्स और वाई में। ओरिजिनल फीचर्स लिए क्या? नहीं लिए। अब वाई ओरिजिनल लिया क्या? नहीं, पॉलिनोमियल फीचर्स लिए, पॉलिनोमियल मतलब मल्टीपल मल्टीपल फीचर्स राइट। ये आपके पास डेटा आ गया, इंटरसेप्ट और ये कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यहाँ पे तीन हो गया, एक नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई आपने उसकी मॉडल की। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये इक्वेशन फिर इस टाइप बनता है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर जो भी है यहाँ पे देखो इस टाइप, और ये अपना जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉलिनोमियल फीचर बढ़ाओगे उतना वो एक्यूरेटली फिट हो जाएगा और ऐसी लाइन बनाएगा फिर। और अगर नया डेटा पॉइंट आ गया इधर इधर उधर तो ये अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, ट्रेनिंग के ऊपर तो आपने पूरा उसको फिट कर दिया पर वो आप जनरलाइज नहीं कर पा रहा है। अब थोड़ा भी इधर ऊपर नीचे वैल्यू हो गई तो इसकी वैल्यू काफी फ्लक्चुएट होती है क्योंकि ये लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब ये ऐसी लाइन बन गई है। तो पॉलिनोमियल फीचर्स यूज करना भी मतलब हर वक्त सॉल्यूशन नहीं होता हमारे लिए, वो आपको देखना पड़ेगा, आपको हर बार हर चीज हर एक सेल वैलिडेट करनी पड़ेगी कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, प्रिंट करके देख लो हर बार राइट, ब्लैंकली सॉल्यूशन मत कॉपी पेस्ट करो, ट्राई टू वैलिडेट दिस थिंग्स। अब यहाँ पे देखो रीजंस फॉर ओवरफिटिंग क्या है, हाई वेरिएंस लो बायस है, एक तो मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने मॉडल को, जैसे कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई, फीचर्स की संख्या बढ़ाई आपने, ट्रेनिंग की साइज बढ़ाई, साइज ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, उससे भी ओवरफिटिंग का इशू होता है। अब यहाँ पे देखो हाई बायस मतलब अंडरफिट, यहाँ पे देखो कोई डेटा पॉइंट से वो जा नहीं रहा है हमारा, हमारी बेस्ट फिट लाइन किसी भी डेटा पॉइंट से वो जा नहीं रही। अब यहाँ पे देखो हाई बायस से अंडरफिट है, एक्चुअली ये अंडरफिट नहीं है, हाई बायस से बट ये एक्चुअली उसको आप बोल सकते हो कि अप्रोप्रिएट फिटिंग है, ये अंडरफिट भी नहीं है और ये ओवरफिट है, ये हाई बायस है बट अप्रोप्रिएट ओवरफिटिंग है, बट ये है अपना हाई बायस और ओवरफिट, सॉरी हाई वेरिएंस और ओवरफिट। हाई वेरिएंस मतलब ट्रेनिंग के ऊपर काफी कम एरर से, देखो यहाँ पे कुछ एरर है ही नहीं, पूरे डेटा पॉइंट में जा रहा है डेटा पॉइंट्स को हिट करके। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल फीचर्स होते हैं, फीचर्स देखो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर एक्स रेस टू फोर, एक ही वेरिएबल है तो ऐसे अलग अलग बनाए उन्होंने, हाई वेरिएंस डाल दिया बट उससे ओवरफिटिंग होती है। और बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे देखो, आप बेस्ट फिट लाइन अगर ऐसी है तो टू सिंपल टू एक्सप्लेन वेरिएंस, टू सिंपल है, काफी ज्यादा एरर्स है, देखो यहाँ ये अप्रोप्रिएट फिटिंग है, हाँ कम से कम एरर्स है, एरर्स है बट कम है, और ये ओवर फिटिंग है, हर एक डेटा पॉइंट को उसने अलग किया है ट्रेनिंग का, ये ट्रेनिंग के डेटा सेट से, टेस्टिंग के नहीं, ट्रेनिंग के, बट अब जब टेस्टिंग का कुछ भी आएगा पॉइंट तो ये सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा कुछ इतना कॉम्प्लेक्स बन गया है उसका लाइन तो टेक्निक्स क्या है अगर इसको रिड्यूस करना है तो इंक्रीज द ट्रेनिंग डेटा, रिड्यूस द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करो पहले तो, अर्ली स्टॉपिंग यूज करो, अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है एक्चुअली
ये दिखता है एरर और लॉस कितना है। अगर लॉस एक सेकंड दे मुझे, you have one triggered incident on that back underscore analytics underscore legal. The incident was acknowledged. चलो अब यहाँ पे देखो अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हमारा लॉस कम होता है तब तब आप ट्रेनिंग दे दो। लॉस मतलब कॉस्ट फंक्शन, राइट? लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, जितना कम हो रहा है ठीक है, बट थोड़ा सा बढ़ने लगा तो उसको क्या करो, स्टॉप कर दो, वहीं पे स्टॉप करो। इटरेशन, इटरेशन को मत बढ़ाओ। ये डीप लर्निंग का सोल्यूशन है। मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं कर सकते हम। अर्ली स्टॉपिंग वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ पे मशीन लर्निंग में। तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा डीप लर्निंग में कि अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है। अर्ली स्टॉपिंग हम एक तो इपॉक्स देते हैं, ठीक है? इपॉक्स का मतलब समझ गए आप। और इपॉक्स मान के चलो कि एक आपने 50 इपॉक्स दिए, बट 30 के जब 30 इपॉक्स दिए थे आपने तब एक्यूरेसी कम थी, उसके बाद थोड़ी 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 बढ़ने लगी, या फिर ज्यादा कम नहीं हो रही है, मतलब ड्रास्टिकली कम नहीं हो रही है, बस वो एका देखा देखा पॉइंट से कम हो रही है या फिर उतनी ही है। तो क्या करो, अर्ली स्टॉपिंग कर दो, बस बस हो गई ट्रेनिंग। 50 इटरेशन क्यों देना है, एक ही मतलब 20-25 में काम हो रहा है तो आप अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा सकते हो कि अगर स्टॉप पेशेंस लेवल बोलो या फिर अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया बोलो, वहां पे लगा सकते हो और बोल सकते हो उनको कि अगर लॉस अब थोड़ा सा बढ़ रहा है या फिर लॉस कम ही नहीं हो रहा है तो क्या करो, ट्रेनिंग को स्टॉप करो। तो बोलते हैं हम अर्ली स्टॉपिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग फेज। फिर बाद में आता है रिज रेगुलराइजेशन और लासो रेगुलराइजेशन यूज करो। मतलब क्या कि जो एम एक्स में एम की टर्म है, बीटा नॉट बीटा वन एक्स वन में बीटा वन की टर्म है, उसको पिनलाइज करो। उसको पिनलाइज करो मतलब उसको रिड्यूस करो या फिर जीरो कर दो। लासो डिसेंडेंट हो गए तो ये क्या बोले, जो ग्रेडियंट डिसेंडेंट हो गए एक तरीके से है। हाँ हाँ, जो उसमें हम लोग करते थे। हाँ, ग्रेडियंट डिसेंट में भी करते हैं, बट वहां पे एक्चुअली ये रेगुलराइजेशन अलग है। यहाँ पे पेनल्टी को रेगुलराइज कर रहे हैं, वहां पे लॉस को करें, लॉस कम करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है वहां पे। अब यहाँ पे लॉस तो कम ही करना है, बट रिज और लासो में एक्चुअली हम कोएफिशिएंट को पिनलाइज करते हैं। अब इसमें जो बीटा वन एक्स वन है, ये जो कोएफिशिएंट है हमारा बीटा वन, इसको पिनलाइज करके इसकी वैल्यू रिड्यूस करते हैं या फिर जीरो करते हैं, ताकि एंटायर टर्म ही जीरो बन जाए, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो रही थी। अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना, अब ये लेस कॉम्प्लेक्स है, राइट? पहले वो 5 फीचर थे, अब ये 4 ही हो गए, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो गई इंटरनली जब हम लासो यूज करते हैं। तब जब रिच करते हैं रिग्रेशन यूज, तब इसकी वैल्यू रिड्यूस होती है नियर टू जीरो, बट एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्टली जीरो। इसकी वैल्यू जीरो हो गई मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि हमने ये टर्म काफी कम हो गई अब इवेल्युएशन में, तो ये ज्यादा इनपुट नहीं देगी अब ये पूरी एंटायर टर्म। ये हम आगे जाके, आगे जो कल का लेक्चर है वही है, रिज वर्सेस लासो और इलास्टिक रिग्रेशन, ये टेक्निक्स है क्या। तो ये टेक्निक्स बेसिकली ओवरफिटिंग को अवॉइड करती है, ओवरफिटिंग अवॉइड करती है बाय पिनलाइजिंग कोएफिशिएंट्स। चल मुझे जाना, बच्चे को पीटीएम है, ये छोड़नी पड़ेगी। अब रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं हम बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए तैयार होगा। बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ लिख लो। बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ क्या होता है? बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ का मतलब, अगर हम बायस कम करने के चक्कर में जाएंगे तो एक्चुअली हाई वेरियंस बढ़ाएंगे। हाई बायस को घटाने की कोशिश अगर आप करते हो तो वेरियंस बढ़ता है, और वेरियंस को घटाने की कोशिश करोगे तो बायस बढ़ता है। तो ये स्वीट स्पॉट अचीव करने की जरूरत है हमें। वही
ये मिनिमा पॉइंट है राइट। अब यहाँ पे देखो एरर वर्सेस मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस एरर ग्राफ है। जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे फीचर्स ऐड करोगे नए फीचर्स उसमें, तो क्या होता है ट्रेनिंग एरर्स कम होते हैं। देखो यहाँ पे हाई बायस जो था पहले वो ट्रेनिंग एरर के कारण था राइट, ये कम 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 होता है यहाँ पे, बट वेरियंस बनने लगता है फिर, ट्रेनिंग का जो वेरियंस है वो बढ़ने लगता है, हाई वेरियंस होता है मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने में, बढ़ाने के बाद। मतलब ये जैसे हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं तब लो बायस होता है, बट उसके बाद हाई वेरियंस शुरू होता है, ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये ग्राफ एक्चुअली इस टाइप होना चाहिए, हम सर्च करते हैं इस ग्राफ को। वो ग्राफ इंट्यूटिव नहीं है, अब यहाँ पे देखो ये एरर वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे तो बायस जो है, ये बायस व्हाइट वाला, ये कम होता रहेगा राइट, ये कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वेरियंस फिर बढ़ने लगता है। तो ये वेरियंस भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वेरियंस बढ़ा तो ओवर फिटिंग होगी, बायस बढ़ा तो यहाँ पे बढ़ गया है बायस, लेस कॉम्प्लेक्सिटी है और हाई बायस है, इसका मतलब क्या, ये अंडर फिट है राइट, ये अंडर फिट है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है मॉडल में ट्रेनिंग में, तो यहाँ पे हाई बायस होगा। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे वेरिएबल्स ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे बायसनेस कम होगा बट वेरियंस बढ़ेगा। अब ये होता है स्वीट स्पॉट, ये अचीव करना है हमें, यहाँ पे सबसे कम बायस है सबसे कम वेरियंस भी है, ये पॉट हमें अचीव करना है, ये ग्लोबल मिनिमा पॉइंट है यहाँ पे, ये अचीव करना है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ क्या है। अब ये ग्राउंड ट्रूथ प्रेडिक्शन है, बट हमारा मॉडल का प्रेडिक्शन यहाँ पे है कुछ लाई कर रहा है, तो ये अंडर फिटिंग हो गई, काफी अंतर है एक्चुअल ट्रूथ में, ग्राउंड ट्रूथ में और प्रेडिक्टेड वैल्यूज में। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हाई बायस है बट वेरियंस भी हाई है, वेरियंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द डेटा, देखो यहाँ पे हाई वेरियंस, वेरिएबिलिटी स्प्रेड ऑफ द डेटा इज हाई राइट स्टैटिस्टिकल टर्म्स में। तो यहाँ पे एक तो ऑफ भी है बट उसका वेरियंस भी काफी है, यहाँ पे वेरियंस कम है मतलब स्प्रेड कम है, वेरिएबिलिटी कम है डेटा की, नजदीक नजदीक डेटा है, लो वेरियंस है बट हाई बायस है। हमें क्या चाहिए, लो बायस और लो वेरियंस चाहिए, मतलब इसका मतलब इसका स्प्रेड भी ज्यादा ना हो, ग्राउंड ट्रूथ के करीब ही होना चाहिए और लो बायस होना चाहिए, बायस नहीं ज्यादा नहीं। और ये हो गया ओवर फिटिंग, हाई वेरियंस लो बायस। इसको बोलेंगे हम बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ। तो बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ में शुरुआत में बायस क्या होता है, वेरियंस क्या होता है एक्सप्लेन करो, और उनको मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस एरर ये ग्राफ एक्सप्लेन करो। व्हेन वी ऐड हाई मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी राइट we get lower bias but higher variance, if our model is too simple has very few parameters then it may have high bias and low variance, on the other hand if our model has large number of parameters, parameters matlab features
then it's going to have high variance and low bias. So we need to find right balance without overfitting and underfitting the data. This trade-off in complexity is why there is a trade-off between bias and variance. So algorithm can't be more complex and less complex at the same time. ये दो पैराग्राफ एक्सप्लेन करने हैं इंटरव्यूअर को why bias variance trade-off. Or what is bias? Bias is the difference between average prediction of our model and the correct value which we are trying to predict. Model with high bias pays very little attention to the training data and over simplifies the model. It always leads to high error on the training and test data. Or variance kya hai? Variance is the variability of model prediction for a given data point or a value which tells us spread of our data. Model with high variance pays a lot of attention to training data and does not generalize on the data which it has not seen before. मतलब unforeseen data के ऊपर generalize वो नहीं कर पा रहा है. तो बोलेंगे हम variance. तो bias और variance में क्या होता है? Bias क्या होता है? Variance क्या होता है? Explain करो. और ये trade-off explain करो. इतना बस. आपका आंसर इसका. और अगर आपको अब मैं जनरली क्या करता था, एक नोटबुक रखता था और नोटबुक के ऊपर ये ग्राफ निकालता था. यहाँ पे जो हमने ये वाला देखा है राइट, ये वाला मैं निकालता था और उसको शो करता था कैमरा, इन कैमरा, ऑन कैमरा. नहीं तो आप यहाँ पे इस टाइप ड्रॉ भी कर सकते हो अगर उसने टाइम दिया तो उतना. बट आजकल लोग उतना टाइम नहीं देते, मशीन लर्निंग का वेटेज थोड़ा सा कम हो गया है आजकल और एलएलएम्स का बड़ा है इंटरव्यूज में. तो ज्यादा फोकस हमें एलएलएम्स, ट्रांसफॉर्मर, हगिंग फेस, पाइटॉर्च, डीप लर्निंग यहाँ करना है. मशीन लर्निंग के ऊपर उतना आप नहीं रहा, बट हाँ मशीन लर्निंग भी काफी इंपॉर्टेंट है. कुछ क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं. चलो ये हो गया हमारा बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट था टॉपिक. ठीक है लिख लो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली, वो मैंने मेंशन नहीं किया है ये बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ टॉपिक है. आपको लिख लो कि क्या होता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. अब टेक्निक क्या है प्रिवेंट करने की? अब यहाँ पे देखो वो अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और बैलेंस्ड, ये पता है आपको. अब ये फिर से मैं ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट हाउ टू प्रिवेंट दी ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग. तो यहाँ पे क्या करो, आप होल्ड आउट डेटा क्रिएट करो, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करो ताकि बहुत ज्यादा भी डेटा आप ट्रेनिंग में आपका ना चला जाए पूरा डेटा ही, और आप वो एनालाइज करो फिर बाद में होल्ड आउट डेटा सेट तैयार करके. फिर आता है क्रॉस वैलिडेशन करके. अब क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या है? अगर ओवरफिटिंग हो रही है या फिर अंडरफिटिंग भी हो रही है, तो अंडरफिटिंग के भी केस में ये काम अच्छा करता है क्रे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. ये हम बाद में पढ़ेंगे वैसे, बट यहाँ पे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे देखो वन ट्रेनिंग में ही है डेटा, पूरा डेटा ट्रेनिंग का ही है, टेस्ट तो डेटा पूरा अलग है. ठीक है अब ट्रेनिंग में भी आप फाइव फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करोगे तो क्या करेगा ये, ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर ही पांच आपके पार्टीशंस करेगा वो, और एक पार्टीशन एज अ टेस्ट करेगा इटरेशन वन में, और ऐसे पांच इटरेशन भी करेगा अलग अलग. देखो यहाँ पे टेस्ट डेटा सेट अलग अलग है हर केस में, इसको बोलेंगे हम क्रॉस वैलिडेशन. मतलब ये चार के ऊपर ट्रेन करेगा, इसके ऊपर एक्यूरेसी ढूंढ के निकालेगा आपको बताएगा, फिर इन चार के ऊपर करेगा ट्रेन, इसके ऊपर ये होल्ड आउट करेगा और इसके ऊपर इंटरनली वो टेस्ट करेगा और आपको बताएगा कि इसकी एक्यूरेसी क्या है. क्रॉस वैलिडेशन करेगा ये ट्रेनिंग के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, टेस्ट तो डेटा अलग है अभी यहाँ पे, उसको बोलेंगे हम क्रॉस वैलिडेशन.
बट ये थोड़ा सा कॉम्पिटिशनली एक्सटेंसिव होता है क्योंकि हम एक बार ट्रेनिंग नहीं पांच बार ट्रेनिंग दे रहे हैं डेटा को। फिर आता है डेटा ऑगमेंटेशन, अंडर फिटिंग में काम करता है डेटा ऑगमेंटेशन। अब अंडर फिटिंग है तो आप डेटा को ऑगमेंट कर सकते हो, मतलब डेटा को बढ़ा सकते हो, ये डीप लर्निंग की टेक्निक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो, एक तो रिसाइज कर रहे हैं, ट्रांसलेट, रोटेट, शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग ये प्रोसेस होती है। रोटेट मतलब इमेज को रोटेट करना थोड़े थोड़े एंगल पे, यहाँ पे देखो, और इमेज को रिक्रिएट करना। अब एक रिकॉर्ड था, अब अलग अलग रोटेट करके मेरे पास पांच रिकॉर्ड है, -90 डिग्री, -45, 0, 45, 90 डिग्री में रोटेट किया। अब मेरे पास पहले एक सैंपल था तो अब पांच सैंपल अलग अलग बन गए। ये होता है डेटा को अगमेंट करना, अगमेंटेशन करना, तो रिड्यूस ओवर फिटिंग। और अंडर फिट भी है तो हम डेटा की साइज बढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियली इंक्रीज द साइज ऑफ आवर ट्रेनिंग डेटा। इफ वी आर ट्रेनिंग एन इमेज क्लासिफिकेशन टास्क, वी कैन परफॉर्म वेरियस इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस, फ्लिपिंग, रोटेटिंग, रिस्केलिंग, शिफ्टिंग। रिस्केलिंग मतलब बड़ी इमेज है तो जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे, रिस्केल करेंगे उसको अलग अलग राइट पिक्सल्स में रिस्केल करेंगे, 500 पिक्सल है 400 पे लेके आएंगे, 300 पे लेके आएंगे, रोटेट करेंगे, शेयर करेंगे। और ज्यादा हम इस टेक्निक को इमेज जब CNN पढ़ेंगे उस समय आपको उसके ऊपर हैंड्स ऑन भी करने का राइट मौका मिलेगा। अभी के लिए मैंने एक ही नोटबुक में ये सब कुछ लिखा है ताकि आप, अगर मैं सिर्फ मशीन लर्निंग की टेक्निक्स बताता तो आप उतने ही याद रखते, और रियल टाइम इंटरव्यू में आप अगर कोई पूछता आपको कि टेक्निक्स टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग कौन कौन सी है, तो मशीन लर्निंग की फिर याद आती है, डीप लर्निंग की याद ही नहीं आती वहाँ उस समय। इसलिए सब टेक्निक मैंने एक ही जगह पे आपको दे दी है ताकि इंटरव्यू में आप जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए ओवर फिटिंग का, तब आप मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग की सारी जो टेक्निक्स है वो बता पाए। क्रॉस वैलिडेशन मशीन लर्निंग की है, अब हम कर सकते हैं, हम देख लेंगे नेक्स्ट टू लेक्चर्स में क्रॉस वैलिडेशन। डेटा ऑगमेंटेशन डेटा को बढ़ाता है। फिर आता है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन मतलब हम अब सारे फीचर्स नहीं ले रहे हैं, हम काम के ही फीचर्स ले रहे हैं। तो फीचर इंपॉर्टेंस बोल के अलग अलग मॉडल्स आते हैं फीचर इंपॉर्टेंस प्लॉट करने के लिए, वो यूज करके हम फीचर सिलेक्शन करते हैं, या फिर पियर्सन स्पीयरमैन कोरिलेशन मैट्रिक्स से भी हम फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फीचर्स वाई वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने में मदद कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं वेरिएबल्स को हम रखेंगे, बाकी हम निकाल देंगे सारे वेरिएबल्स, बाकी जो भी यूजफुल नहीं है वेरिएबल वो हम निकालेंगे। रिकर्सिव फीचर इलिमिनेशन RFE एक मॉडल है, वो भी यही करता है। उस मॉडल का अगर यूज करते हैं आप तो क्या करेगा, इम्पोर्टेंट फीचर्स आपको ला के देगा, इतना ही फीचर्स इंपॉर्टेंट है और इतने ही आप यूज करो। 20 फीचर्स है तो बोलेगा कि 14 इंपॉर्टेंट है इतने यूज करो, और उनका आपको एक ग्राफ भी देगा ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है बोल के। तो इसको बोलेंगे फीचर सिलेक्शन। इफ वी ओनली हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स ईच विद अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स, वी शुड ओनली सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर द ट्रेनिंग सो दैट आवर मॉडल डज नॉट नीड टू लर्न फॉर सो मेनी फीचर्स एंड इवेंचुअली ओवरफिट। तो ये ओवरफिट अवॉइड करने की एक और एक टेक्निक है। बाद में आता है L1 और L2 रेगुलराइजेशन, मतलब लास्ट तो और रिज रेगुलराइजेशन। अब ये काफी डिटेल में हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए आज मैं स्किप कर देता हूँ, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बट ये एक टेक्निक से, या मैंने अभी ब्रीफ उसके आइडिया दे दिए आपको कि ये करती क्या है, पिनलाइज करती है कोएफिशिएंट्स को, बट एक्चुअली क्या होता है
उसमें पिनलाइज कोएफिशिएंट होते हैं, बट हम उस उसके आरएसएस को पिनलाइज करते हैं मेनली, तो हम कल पढ़ेंगे। फिर ओवरफिटिंग अवॉइड कैसे कर सकते हैं, रिमूव लेयर्स फ्रॉम द न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क मॉडल है, हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल नहीं है, ये डीप लर्निंग का मॉडल है। वहां पे क्या करते हो आप, ये अलग अलग लेयर अलग अलग डेटा के ऊपर लर्न करता है, तो ये ज्यादा लर्न होता है फिर अगर आपने काफी ज्यादा लेयर्स बनाए तो, इसलिए हम लेयर से रिमूव करते हैं, ये पूरा लेयर रिमूव कर दिया, या फिर न्यूरॉन को डीएक्टिवेट करते हैं कुछ न्यूरॉन्स को। ये कुछ अलग अलग वेज है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर लेयर, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट्स है, मतलब न्यूरॉन्स है, तो 2-3 डीएक्टिवेट करो इस टाइप, रिमूव एक तो पूरा लेयर रिमूव करो, या फिर 2-3 उसमें जो भी न्यूरॉन्स है वो डीएक्टिवेट करो, 10%, 20% न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट करो। ये भी एक तरीका है, ये डीप लर्निंग का है। ये लेयर्स होते हैं, आज ये शायद आपको पता ना उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट आगे जाके हम ये देख लेंगे। इस नोटबुक को फिर से आपको रिवाइज करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। फिर आता है ड्रॉप आउट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पूरे लेयर्स को एक तो रिमूव कर रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स को हम रिमूव कर रहे हैं, एग्जैक्टली रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, टेस्टिंग के दौरान ये पूरे ऑन होते हैं, स्विच ऑन होते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ये स्विच ऑफ होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ड्रॉप आउट लेयर। मतलब कुछ न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट करना। यहाँ पे देखो ये सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल इमेज है, ये वर्टिकल बनाई है, बस इतना ही फर्क है, बट यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट किया, उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं। स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क ऐसे होता है, सारे ऑन होते हैं, यहाँ पे कुछ ऑफ है। फिर होता है अर्ली स्टॉपिंग, अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी टेक्निक्स होती है, जैसे स्मोट हो गया, ये आगे जाके पढ़ेंगे हम, ये उस समय देखेंगे, आज नहीं डिस्कस करेंगे इसके। डेटा को ऑगमेंट करने की अलग अलग टेक्निक्स है। अब डेटा को ऑगमेंट मतलब डेटा को बढ़ाना। अब डेटा बढ़ाते कैसे हैं, एक तो नंबर ऑफ सैंपल्स कैसे बढ़ाओगे, एक तो डेटा को ऑगमेंट करके, अगर इमेज डेटा है तो क्या करोगे आप, ऑगमेंट करोगे डेटा को, राइट। अगर टेक्स्ट डेटा है तो क्या करोगे, बट अगर टेक्स्ट डेटा है तो एक तो कॉपी करेंगे डेटा को, या फिर राइट सिनोनिम्स ले लेंगे, सिनोनिम्स या फिर यहाँ पे अलग अलग वेज है, बट उतना रिसर्च नहीं हुआ पाया अभी तक यहाँ पे कि कैसे उसको ऑगमेंट किया जाए। और तीसरा है अपना टेबुलर डेटा, राइट, जो हम अभी तक बढ़ते आ रहे हैं। टेबुलर मतलब ये सीएसवी फॉर्मेट वाला टेबुलर डेटा। अभी टेबुलर डेटा में अलग अलग है, यहाँ पे भी रीसैम्पलिंग टेक्निक्स है, अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, मतलब कॉपी पेस्ट करो, ये छोटा डेटा है तो बड़े डेटा ये कॉपी पेस्ट करो इतना डेटा यहीं से, राइट, और जोड़ दो। अंडर सैम्पलिंग मतलब ये डेटा है तो उसको रिमूव करो, अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, स्मोट मतलब अब ये एक रीजन है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पॉइंट है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट है। अब ये माइनॉरिटी डेटा रीजन हो गया, यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी 8 करने हैं, तो यहाँ पे क्या करता है वो, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करता, यहाँ पे एक रीजन बनाता है और इस रीजन में नए डेटा पॉइंट्स क्रिएट करता है, इस टाइप होता है काम उसका, नए डेटा पॉइंट, नए रिकॉर्ड
क्लास बनाना है। ठीक है चलो, ये तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ये सारी चीजें, बट हाउ टू अवॉइड ओवरफिटिंग, ये सब कुछ, ये सब आपको आना चाहिए। ओवरफिटिंग अवॉइड करना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का है, सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंस आपको उस पे देना है। फिर आता है ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग क्या होती है, चार पांच क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके, और L1 L2 भी बनेगा, बट इसके ऊपर हम स्पेशल लेक्चर लेने वाले हैं, तो इसलिए आज मैं नहीं कवर कर रहा। इवन फीचर सिलेक्शन और डेटा ऑगमेंटेशन के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स हैं अब आगे जाके। इतना क्लियर है, किसी को डाउट? क्लियर सर, क्वेश्चन बताएंगे एक बार सब इसके। हाँ, बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। मीन बाय बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, व्हाट इज मीन बाय ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, हाउ टू अवॉइड इट। इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, डबल संगा, व्हाट इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, व्हाट इज मीन बाय ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ओवरकम ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, राइट, और बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, व्हाट इज मीन बाय बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ। ठीक है चलिए, फिर मिलते हैं हम कल सुबह 10 बजे। यस सर, तब तक आपको कैगल के ऊपर वो सर्च करना है। अगर आपको एक सेशन अरेंज करना है विवेक के साथ, तो विवेक आप मीटिंग अरेंज करो और आप बता सकते हो। ठीक है, यू कैन वॉक देम थ्रू ऑल द कैगल डिटेल्स। यस सर, आई विल डू। ओके ओके, sure, thank you guys, bye bye. Thank you sir, bye. Thank you sir, bye.